कहां से होगी केजीएफ 2 फिल्म की कहानी? जहर खा लो पर धोखा नहीं, क्यों? कैसे होगी फिल्म की एंडिंग? हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर होस्ट फ्रॉम बॉलीग्राफ स्टूडियोज एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। कन्नड़ फिल्म केजीएफ के दूसरे पार्ट केजीएफ चैप्टर 2 में संजय दत्त के बाद काफी पहले रवीना टंडन की भी एंट्री हो गई थी। इस फिल्म में रवीना उस पीएम का रमिक का सीन का रोल निभाएंगी जो डेथ वारंट जारी करती है। हालांकि केजीएफ में बस उनकी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन अब केजीएफ 2 में वो खुद भी दिखाई देंगी। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शुरुआत ही रवीना के उस सीन से होगी जिसका पोस्टर रवीना के बर्थडे पर शेयर किया गया था, जिसमें वो संसद में लाल साड़ी में बैठी हुई नजर आई थी। हालांकि पहली सीन रमिका को बस पावरफुल दिखाया जाने वाला है, उनका केजीएफ 2 में रोल बाद में सामने आएगा। बता दें, फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील कर रहे हैं, तो फिल्म में ट्विस्ट का होना लाजमी है, और प्रशांत नील की मूवी में ट्विस्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और ये ट्विस्ट रवीना के किरदार में ही देखने को मिलेगा। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। रवीना टंडन को कई साल पहले रिलीज हुई खानदानी शफाखाना फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में देखा गया था। इसके बाद 2015 में उन्होंने बॉम्बे वेलवेट से इंडस्ट्री में वापसी की थी। इसके बाद साल 2017 में उनकी 3 फिल्में आई थी, मात्र, हनुमान दमदार और शव। इसके अलावा रवीना टेलीविजन रियलिटी शो में भी जज के तौर पर शामिल रही हैं। केजीएफ के पहले पार्ट का प्रोडक्शन महज 50-80 करोड़ के बजट में हुआ था, जिसने करीब 243-250 करोड़ का बिजनेस किया था। यही वजह थी फिल्म के दूसरे पार्ट को बनाने की। बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 में यश अधीरा के रोल में संजय दत्त और श्रीनिधि शेट्टी, अनंत नाग, मालविका विनाश जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। केजीएफ 2 फिल्म की कहानी के बारे में ये भी सामने आया है कि रॉकी यानी यश इस पार्ट में 3 दुश्मनों यानी गरुड़, इनायत खलील और रीना की बॉयफ्रेंड कमल से लड़ते हुए नजर आएंगे। फिल्म में इसी सीक्वेंस में उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन ये सब तब होगा जब रीना का रॉकी के सामने पर्दाफाश होगा। कहते हैं ना, इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्यार में धोखा वो कभी नहीं हो सकता। बस ऐसा ही होगा केजीएफ 2 के रॉकी के साथ भी। उसने माँ ने लड़का सिखाया, वहीं कैसे सर उठाकर जीना सिखाया, जिससे रॉकी को माँ के बाद जीने का मकसद मिला। फिर रॉकी की लाइफ में रीना आई, जिससे उसे जिंदगी मिली। इस दौरान रॉकी सभी मुश्किलों से खुशी खुशी लड़ता रहा, लेकिन जब उसे मिलेगा प्यार में धोखा, रॉकी भी टूटेगा और सबको तरीके से भी तोड़ेगा। इसी दौरान लड़ते लड़ते उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि रॉकी खुद से हार जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होगा, ना माँ का प्यार ना यार का साथ, बस यही होगा पिक्चर का दी एंड। तो आपको क्या लगता है, रॉकी का प्यार पड़ेगा उसी पर भारी, क्या प्यार के आगे सब कुछ रह जाएगा खाली? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब मैं आपकी होस्ट पलक आपसे विदा लेना चाहूंगी। केजीएफ से क्या नई पहचान मिली यश को? क्यों नो शेव नवंबर को जोड़ा गया था केजीएफ से? किस लुक को बढ़ावा मिला केजीएफ से? जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। हीरो, विलन, ग्लैमर और पूरी क्रू की मेहनत से बनती है एक फिल्म, लेकिन उस फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान से देखा जाता है हीरो और विलन का गेटअप, कि कैसे वो तैयार हुए और कैसे उन्होंने लुक की छाप लोगों पर
और खुद की लाइफ पर भी छोड़ी है। ऐसी ही फिल्म थी केजीएफ चैप्टर 1। केजीएफ चैप्टर 2 के विलन संजय दत्त के लुक पर सबने बात की, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 और केजीएफ के हीरो की बात करना सब भूल गए। जबकि यश की लाइफ पर रॉकी ने गहरी छाप छोड़ी थी, वो इसलिए जब रॉकी की एंट्री केजीएफ में हुई, उससे पहले रॉकी का नाम सिर्फ यश था। उनकी पहचान उनके नाम से होती, जो नाम था यश। लेकिन जैसे ही यश रॉकी बना तो उसे गैंगस्टर लुक देने के लिए लंबे बाल और बड़ी दाढ़ी लगाई गई, ताकि वो एक गैंगस्टर लगे। लेकिन इसी के साथ रॉकी के किरदार में कुछ अच्छी आदतें डाली गईं, जिससे वो एक अच्छे गैंगस्टर लगे। फिर केजीएफ रिलीज हुई। केजीएफ में रॉकी के लुक को काफी पसंद किया गया। उसे नो शेव नवंबर लुक से भी जोड़ा गया, क्योंकि रॉकी की मां को कैंसर था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो उनका इलाज नहीं करवा पाए थे, इसीलिए इसको नो शेव नवंबर से जोड़ा गया। अगर आपको नो शेव नवंबर का मतलब नहीं पता तो बता दें, नो शेव नवंबर एक ट्रेंड है जिसमें कोई भी अपनी ग्रूमिंग पर होने वाले खर्चे को कैंसर पेशेंट को डोनेट कर देता है और खुद की ग्रूमिंग पर नहीं करता। यही करते कुछ टाइम पहले यश भी सोशल मीडिया पर नजर आए थे। उसी के साथ बॉलीवुड में भी लंबे बाल बड़ी दाढ़ी का चलन हुआ। बॉलीवुड में सबसे पहले ये ट्रेंड रणवीर सिंह लेकर आए थे। बता दें, रॉकी के लुक के बाद लोग यश को रॉकी के रूप में जानने लगे, लेकिन उनकी रियल आइडेंटिटी से ज्यादा लोग उनकी रियल आइडेंटिटी रॉकी भाई के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं। रॉकी के फैंस ने उनके हेयर स्टाइल को कॉपी किया, लेकिन उनका हेयर स्टाइल लुक वाकई अच्छा था, जिसकी वजह से ही उसे खुद यश ने भी रियल लाइफ में मेंटेन करके रखा है। आज भी जब हम यश को देखते हैं तो वो सोशल मीडिया पर अपने लंबे बाल और नाइसली मेंटेन बियर्ड को दिखाते नजर आते हैं, और अब केजीएफ 2 में भी वो इसी लुक में नजर आएंगे। साथ ही बता दें, इस लुक के पीछे सबसे बड़ा हाथ यश और रॉकी के हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम का हाथ है। उन्हीं ने यश को रॉकी बनाया है, जो आज एक ट्रेंड बन चुका है। बता दें, एक बार फिर यश इसी रॉकी लुक को केजीएफ 2 में साथ लेकर आएंगे, जिसमें उनके साथ श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन नजर आएंगी। आप सब फिल्म में रॉकी के लुक को कितना पसंद करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण कि महाभारत। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा।
KGF 3 की चर्चा होने लगी है। 300 रुपए लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहुबली को टक्कर? यश का असली नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फादर्स डे के मौके पर KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर, तो KGF के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल #KGF Chapter 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि KGF के डायरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है, जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। KGF स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। KGF चैप्टर फर्स्ट की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर KGF चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपए लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया, इतना बड़ा डराने वाला शहर। लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था, मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया, मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, कोई सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैकस्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था, जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की, स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे इसलिए हम बता देते हैं, इसमें क्या टेंशन लेने की बात है। यश का असली नाम है नवीन कुमार। वेल, अभी तक तो दर्शक KGF 2 देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस खबर के बाद वो KGF चैप्टर 3 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अब तो शायद ऑडियंस यही चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाए, लेकिन वक्त तो लगेगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हाँ KGF 3 बनेगी। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। उस रात 2 घंटाएं हुई, KGF भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप। KGF कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ फिल्म? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 2018 में कन्नड़ भाषा की फिल्म KGF रिलीज हुई, मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी थी। इंडिया के एक बोनाफाइड सुपरस्टार के फिल्म के सामने एक रीजनल फिल्म के डब्ड वर्जन को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जैसे ही दोनों फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन बाहर आए, फिल्म ट्रेड में सुगबुगाहट शुरू हो गई। KGF ने पहले दिन हिंदी वर्जन से 2.10 करोड़ और देश भर से 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि जीरो के ओपनिंग डे कलेक्शन 20.14 करोड़ से कुछ ही कम था। वीकेंड खत्म होते होते यश स्टारर KGF ने शाहरुख की जीरो को पीछे छोड़ दिया। KGF का वीकेंड कलेक्शन था 59.60 करोड़, जो कि जीरो से 53 लाख रुपए ज्यादा था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर KGF का ऑल टाइम कलेक्शन रहा 185 करोड़ रुपए, जबकि शाहरुख की जीरो 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अब सवाल यह है कि इस फिल्म को इतना क्यों देखा गया? वो इसलिए क्योंकि KGF टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग न सिर्फ कमाल थी बल्कि देश में बनी दूसरी फिल्मों से काफी अलग भी। बेफक्स के भारी भरकम इस्तेमाल से बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट साबित। मार धाड़ वाली फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास एक्शन, फैमिली ऑडियंस के लिए मजबूत इमोशनल एंगल था। मगर इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह रहे
इसके लीड हीरो यश। यश में भारतीय दर्शकों को एक ऐसा हीरो दिखा जिसके पास भरपूर स्वैग और उस स्वैग को जस्टिफाई करने वाली पर्सनालिटी। इस फिल्म को थिएटर के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी खूब स्ट्रीम किया गया। इस चीज ने केजीएफ के फैन बेस में भारी इजाफा किया। इन सभी वजहों ने फिल्म के फेवर में काम किया, जिसका नतीजा हमें केजीएफ 2 के टीजर को मिले रिएक्शन में देखने को मिला। केजीएफ 2 का टीजर रिलीज होने के फौरन बाद ब्लॉकबस्टर हो गया, क्योंकि जिस तरह का बिल्डअप फिल्म के मेकर्स ने इस सिक्वल के आसपास बनाया था, टीजर उसके साथ न्याय करता। इस टीजर में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे। शानदार डायलॉग्स, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस और यश स्टार का स्वैगर। अपने रिलीज के कुछ दिन बाद केजीएफ 2 टीजर ने अवेंजर इन गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी एवेंजर्स फिल्म होने के नाते इसके ट्रेलर को दुनिया भर में यूट्यूब पर 143 मिलियन यानी कि 14.3 करोड़ बार देखा गया था। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स से निकले एवेंजर इन्फिनिटी वार का ट्रेलर दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर। उस फिल्म के ट्रेलर को 246 मिलियन यानी कि 24.6 करोड़ बार YouTube पर देखा गया था। यश की KGF 2 अभी इस रिकॉर्ड से कोसों दूर है, मगर KGF 2 का ट्रेलर आना बाकी है। अगर ये ट्रेलर आएगा तो Avengers Infinity War के ट्रेलर का रिकॉर्ड ये जरूर तोड़ देगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। आखिर क्या है आमिर की स्ट्रैटेजी? केजीएफ 2 के क्लैश पर आमिर ने क्यों मांगी माफी और क्यों हुआ इतना बड़ा क्लैश? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार यश से माफी मांगी है। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का क्लैश साउथ से सुपरस्टार एक्टर यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के साथ होगा। दोनों फिल्मों को क्लैश कराने के लिए ही आमिर ने यश से माफी मांगी है। बताते दोस्तों कि यश की फिल्म के मेकर्स ने केजीएफ 2 की रिलीज डेट पहले से फाइनल कर रखी थी और अब आमिर खान ने भी अपनी फिल्म की रिलीज डेट उसी दिन रखने का फैसला किया है। जबकि दोस्तों, आमिर ने पहले कभी ये कहा था कि मैं कभी भी ऐसी तारीख नहीं चुनता हूँ जो किसी दूसरे प्रोड्यूसर्स ने तय कर रखी हो। फिर अब की बार ऐसा क्या हुआ आमिर साहब? बता दें दोस्तों कि इस पर आमिर ने कहा कि मैं फिल्म में एक सिख का किरदार निभा रहा हूं, तो इसलिए हमने लाल सिंह चड्ढा को बैसाखी पर रिलीज करने का फैसला लिया है, वरना कभी मैं यश के साथ क्लैश करने का नहीं सोचता। अब लेकिन दोस्तों, आमिर साहब अपनी फिल्म नीति भी मोदी साहब की राजनीति जैसी है, किसी खास समूह को अपने लिए यूज करना कोई आप लोगों से सीखे। है दोस्तों, अब तो बड़ी स्क्रीन भी बताएगी कि किसकी कितनी स्ट्रैटेजी काम आती है। साथ ही बता दें कि आमिर खान ने कहा कि इस ऐलान से पहले मैंने केजीएफ 2 के प्रोड्यूसर और एक्टर यश से माफी मांगी है। मैंने उन्हें समझाया कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के लिए 14 अप्रैल सबसे परफेक्ट तारीख क्यों है। उन्होंने मेरी बात को समझा और मेरी बात पर सहमति जताई। बताते दोस्तों कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। वहीं दोस्तों, केजीएफ 2 सता पैसे की भूख हिंसा की जीत पर आधारित फिल्म है, जिसमें यश, रॉकी भाई, संजय दत्त, अधीरा और रवीना टंडन एक पॉलिटिशियन के रूप में नजर आने वाली है। कोविड के चलते सभी फिल्मों की शूटिंग लगातार डिले होती जा रही है और फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान फीमेल लीड में रोल प्ले करती हुई दिखाई देंगी। टग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद से अभी तक आमिर खान की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ 2 के आगे टिक पाती है या नहीं, या फिर इतिहास फिर दोहराता है और एक बार फिर किसी खान को मुंह की खानी पड़ती है या रॉकी भाई की सत्ता डगमगाती है। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है।
कौन हीरो? हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण की महाभारत। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। लाल सिंह चड्ढा का होगा यश की फिल्म KGF 2 से बॉक्स ऑफिस क्लैश। साल की शुरुआत में ये फिल्में भी होंगी आमने सामने। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद अब फिर एक बार सिनेमा घरों में बड़ी फिल्में रिलीज होना शुरू हो गई हैं। कई बड़े फिल्म मेकर्स ने फिल्मों की रिलीज डेट जारी कर दी है। हालांकि जल्द रिलीज करने की होड़ में कई फिल्में आपस में टकरा रही हैं। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा की नई रिलीज डेट सामने आई है, जो 14 अप्रैल को यश की फिल्म KGF 2 के साथ ही रिलीज हो रही है। इनके अलावा भी कई मोस्ट अवेटेड फिल्में ऐसी हैं जिनका बॉक्स ऑफिस में क्लैश देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं वो फिल्में कौन सी हैं। पहली जोड़ी है RRR और राधेश्याम। साल की शुरुआत SS राजा मौली के पैन इंडिया फिल्म RRR से हो रही है, जिसमें आलिया भट्ट, रामचरण, NTR अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। फिल्म 7 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसके अगले हफ्ते 14 जनवरी को प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधेश्याम रिलीज हो रही है। दोनों ही फिल्में बड़े बजट में तैयार की गई हैं, जिनकी रिलीज में महज 7 दिनों का अंतर है। इससे दोनों फिल्मों की कमाई पर असर पड़ सकता है। दूसरी जोड़ी है पृथ्वीराज और अटैक। अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम की फिल्में पृथ्वीराज और अटैक जनवरी में आपस में टकराएंगी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि लक्ष्य राज आनंद की फिल्म अटैक इसके 3 दिन बाद ही रिलीज की जा रही है। पृथ्वीराज में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त लीड रोल में हैं। इस फिल्म की स्टार कास्टिंग अटैक से ज्यादा दमदार है, जिसमें जॉन के साथ जैकलीन फर्नांडिस अहम भूमिका निभा रही हैं। इन दोनों की फिल्मों की तुलना में पृथ्वीराज का पल्ला ज्यादा भारी है। तीसरी ऐसी जोड़ी है बधाई दो और बिफोर यू डाई। 4 फरवरी को एक साथ राजकुमार राव भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई दो और पुनीत राज शर्मा काव्या कश्यप की फिल्म बिफोर यू डाई रिलीज हो रही है। स्टार कास्टिंग के लिहाज से देखा जाए तो बधाई दो से बिफोर यू डाई की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है। चौथी ऐसी जोड़ी है गंगूबाई काठियावाड़ी और जयेश भाई जोरदार। संजय लीला बंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 6 जनवरी की बजाय अब 18 फरवरी को रिलीज हो रही है, जिसके अगले ही हफ्ते रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार रिलीज की जाएगी। दोनों ही फिल्में बजट और स्टार कास्टिंग के लिहाज से बराबर हैं। ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। एक हफ्ते पहले रिलीज होने पर गंगूबाई काठियावाड़ी को थोड़ा फायदा मिल सकता है। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट, शांतनु महेश्वरी, विजय राज अहम रोल और अजय देवगन कैमियो में नजर आएंगे। वहीं जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह, शालिनी पांडे, बोमन ईरानी अहम किरदारों में है। पांचवी जोड़ी पे आती है बच्चन पांडे और शमशेरा। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और रणबीर कपूर की शमशेरा फरवरी में 2 हफ्तों के अंतराल में रिलीज हो रही है। बच्चन पांडे 4 मार्च और शमशेरा 18 मार्च को रिलीज होगी। बच्चन पांडे को कमाई के लिए 2 हफ्तों का समय मिलेगा, ऐसे में शमशेरा की रिलीज से फिल्म पर असर पड़ने का आसार कम है। छठी जोड़ी है भूल भुलैया 2 और अनेक। कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 25 मार्च को बड़े पर्दे पर आ रही है। इसके अगले ही हफ्ते आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक 31 मार्च को रिलीज हो रही है।
आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन दोनों की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस में बेहतरीन प्रदर्शन करती आई हैं। लेकिन दोनों की फिल्मों के आमने सामने होने से फिल्मों के कलेक्शन में फर्क पड़ सकता है। आखिरी जोड़ी है लाल सिंह चड्ढा और KGF चैप्टर 2। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 18 फरवरी के बजाय अब 14 अप्रैल को रिलीज की जा रही है। इसी दिन कन्नड़ स्टारर यश की फिल्म KGF 2 को रिलीज किया जाएगा। KGF के पहले पार्ट ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे और जिस तरीके से KGF चैप्टर 1 एंड हुआ था उस हिसाब से KGF चैप्टर 2 का बहुत ही हाइप बना हुआ है। ऐसे में आमिर खान की फिल्म की कमाई पर डायरेक्ट असर पड़ सकता है। पाएंगे यश को मात। बॉलीवुड फिल्में कुछ चीजों के लिए खास जानी जाती हैं और इनमें से कुछ चीजें हैं बॉलीवुड के गाने और बॉलीवुड का बड़ा बजट। बॉलीवुड फिल्मों से बड़े बजट फिल्मों को दुनिया भर में जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्मों करोड़ों के बजट पर बनाई जाती है और इसलिए इन फिल्मों की कमाई भी करोड़ों में होती है। बॉलीवुड की फिल्मों ने ही 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब का निर्माण किया है। लेकिन कुछ समय पहले एक नई चीज देखी गई है और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्में भी बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जा रही है। साउथ फिल्म एक्टर प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचंद्र और जूनियर NTR समेत कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुंचने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी सितारों की ये अपकमिंग फिल्म मेगा बजट फिल्में हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। बजट के मामले में ये सभी फिल्में बॉलीवुड को भी हिला देने वाली हैं। दक्षिण भारत में आई साउथ फिल्मों को देश भर में पॉपुलैरिटी के नए स्टैंडर्ड सेट पर पहुंचा दिया है। उन्हीं में से एक थी KGF। इस कन्नड़ फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए एक बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के बीच खूब प्यार मिला और उसी का नतीजा है कि अब इसके सीक्वल KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर देश में कोरोना वायरस की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती तो KGF चैप्टर 2 को पहले ही रिलीज किया जा चुका होता और ये फिल्म 16 जुलाई को सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी होती। फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी मगर अब ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोड़ के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है। अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। आजकल थिएटर में फिल्में कम कमाई कर रही हैं और इस फिल्म के इतने बड़े बजट पर बनने की वजह से अब फिल्म के मेकर्स को ये डर सता रहा है कि कहीं इस फिल्म के मेकर्स को 100 करोड़ का लॉस ना हो जाए। आपको बता दें कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट ने साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 की हिंदी राइट्स 90 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। 2018 में रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सल एंटरटेनमेंट ने KGF चैप्टर 1 फिल्म के राइट्स को भी खरीदे थे। तब सभी को लगा था कि वे इस फिल्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में तब इन दोनों ने जितना पैसा लगाया था उसका 35 गुना कमाया था और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस फिल्म के सीक्वल से होगा फरहान को उतना फायदा जितना पहली फिल्म से हुआ था। अब इसी के साथ मैं सुम्बिका ले 2021 में आपको कौन सा महाक्लैश देखने को मिलेगा फिल्मों का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जियार। दोस्तों फाइनली बहुत सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी फिल्में कब रिलीज होने जा रही है और आपको बता दें कि आने वाले टाइम पे आपको बड़ी बड़ी फिल्मों का महाक्लैश देखने को मिल सकता है। सबसे बात करेंगे मोस्ट अवेटेड फिल्म आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का, जो कि बैसाखी के दिन रिलीज होने वाली है यानी कि 14 अप्रैल को थिएटर में आ रही है। लेकिन आमिर के लिए ये तारीख बहुत मुश्किलों से भरी होने वाली है। इसी दिन साउथ सुपरस्टार यश की KGF चैप्टर 2 रिलीज होने जा रही है जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है। दोनों फिल्में हिंदी में भी रिलीज होंगी इसीलिए लाल सिंह चड्ढा के लिए बड़ी टक्कर होगी। इन तीन बड़ी फिल्मों के साथ ही वरुण धवन और कृति सेनन की भेड़िया भी इसी दिन रिलीज होगी
होगी, यानी कि ट्रिपल क्लैश आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 14 अप्रैल 2022 को बहुत सारी फिल्में क्लैश करने वाली है। कंगना रनौत की धाकड़, आर माधवन की रॉकेट्री, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंथी चू भी शामिल है, यानी कि आपको इतना बड़ा क्लैश देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड में रिलीज डेट्स चेंज करने का सिलसिला भी चल रहा है। वैसे बॉलीवुड डायरेक्टर एसएस राजामौली की ट्रिपल आर से टक्कर डालने के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी जनवरी से फरवरी में शिफ्ट हो गई। लाल सिंह चड्ढा गंगूबाई से बचने के लिए अप्रैल में पहुंची, तो वहां 14 अप्रैल को पहले से मौजूद प्रभास की सलार और यश की केजीएफ चैप्टर 2 से उसकी टक्कर हो रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होगी, बच्चन पांडे 4 मार्च को आएगी, इसके बाद 11 अगस्त को रक्षाबंधन, 24 अक्टूबर को राम सेतु, इसके अलावा साल भर में दूसरी फिल्में भी रिलीज होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अच्छी तारीख खोज पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है मेकर्स को। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। कौन सी फिल्में हैं केजीएफ की टक्कर की? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पॉलीग्राड स्टूडियोस। काफी समय पहले केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया था। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की जाएगी, और जब से रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हुई है तब से सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही बात है, क्या केजीएफ 2 बाहुबली फ्रेंचाइजी से भी बड़ी फिल्म साबित होगी? जवाब जानने के लिए हमें करना पड़ेगा दोनों फिल्मों को कंपेयर। पहले आप भी सोचिए, अगर केजीएफ को 80 करोड़ के जगह पे 300 करोड़ के बजट में बनाया जाता हो तो फिल्म को और भी ज्यादा हाइप मिलती। हालांकि केजीएफ सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, पर बाहुबली को जिस लेवल पे बनाया गया था उस लेवल पर इस फिल्म को नहीं बनाया गया था। केजीएफ को बाहुबली जितने स्क्रीन भी नहीं मिले थे, और काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। वो तो जब ये फिल्म थिएटर में लगी और लोगों ने इसे शेयर किया तब लोगों को पता चला कि ये फिल्म कितनी धमाकेदार है। वहीं बाहुबली में तमन्ना भाटिया जैसी एक्ट्रेस थी जिन्हें नॉर्थ इंडिया में काफी लोग पहचानते थे। वही केजीएफ में कई ऐसे एक्टर्स थे जिन्हें नॉर्थ इंडिया में कम ही लोग पहचानते थे। न ही केजीएफ को बाहुबली जैसा प्रमोट किया गया, फिर भी ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट साबित हुई और लोग आज भी इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात ये, जब इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी तब इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज के तौर पर प्लान नहीं किया गया था। हालांकि बाद में यश के कहने पर इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज किया गया था। जरा सोचिए, अगर प्रशांत इस फिल्म को शुरुआत में ही पैन इंडियन फिल्म के तौर पर बनाते तो इस फिल्म को कितनी ज्यादा हाइप मिलती। अगर केजीएफ 2 को बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ना है तो इसकी टक्कर होने वाली है बॉलीवुड की 5 फिल्मों से जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ये फिल्म है दबंग, सलमान खान की बजरंगी भाईजान, थ्री इडियट्स और संजू, क्योंकि ये फिल्में ऐसी थी जिन्हें काफी टाइम तक ऑडियंस ने देखा था। साहो को भी एक बम्पर ओपनिंग मिली थी जो कई सेंटर पर बाहुबली 2 जितनी थी, लेकिन फिल्म के 5 दिन के बाद ही इसके कलेक्शन क्रैश हो गए थे। तो अब ये देखने लायक होगा कि क्या केजीएफ 2 ऐसी बड़ी पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, क्या होगा रवीना का किरदार केजीएफ में? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। रवीना टंडन एक बहुत ही डायनेमिक एक्ट्रेस है और उन्होंने 90 से लेकर अब तक अपने परफॉर्मेंस से
ऑडियंस को इस बात का प्रूफ भी दिया है और शायद इसलिए आज तक वो कई लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस है। रवीना टंडन को हम टिप टिप बरसा गर्ल के नाम से भी जानते हैं। रवीना ने अपने परफॉर्मेंस से काफी लोगों का दिल घायल किया है। चाहे उनका कोई भी किरदार हो, वो अपने परफॉर्मेंस से लोगों को सैटिस्फाई जरूर करती है। डांस से लेकर अपनी अदाओं तक काफी बार ऑडियंस को इम्प्रेस कर चुकी है, पर अब लगता है रवीना काफी सीरियस और इंटेंस किरदार में हमें दिखाई देने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF की, जिसमें हमें रवीना टंडन भी दिखाई देगी। KGF चैप्टर 1 के हिट होने के बाद KGF 2 को बहुत ही बड़े स्केल पर प्लान किया गया था और इसमें रवीना टंडन को भी कास्ट किया गया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो ऐसी अफवाह थी कि रवीना टंडन इस फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभा सकती है। आपको बता दें, रवीना टंडन फिल्म में एक राजनेता का ही किरदार निभाने वाली है और काफी टाइम से ये बस था कि रवीना टंडन इस फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगे, पर आज हम आपको बताएंगे कि ये बस बिल्कुल ही गलत है और हम आपको बताएंगे क्या है उनका असली किरदार। पहले ये बस थी कि रवीना टंडन इस फिल्म में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल हमें निभाते हुए नजर आने वाली है और उनका ये रोल इस फिल्म के लिए काफी मेन रोल है। लेकिन अब ये पता चला है कि इस हिट फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी में रवीना टंडन हमें एक राजनेता की भूमिका में नजर आने वाली है। बस उनका लुक और विचारधारा इंदिरा गांधी से इंस्पायर होगा। ये फैक्ट फिल्म की टीम ने नहीं बताया है, पर सुनने में आया है कि इन दिनों किसी भी रियल लाइफ पॉलिटिशियन को बड़े पर्दे पे दिखाना बहुत बड़ा खतरा है। जैसे ही आपने ऐसा कुछ किया तो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इसलिए रवीना टंडन बहुत ही शांति से श्रीमती गांधी के तौर तरीके को स्टडी कर रही है और उन्हें एक अलग किरदार के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही है। इस बात का पता तब चला जब फिल्म के टीजर में हमने देखा कि रवीना टंडन के बाल काफी लंबे हैं और इस बात से तो हम सभी को वाकिफ है कि जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है। अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी, कहां से होगी KGF 2 फिल्म की कहानी? जहर खा लो पर धोखा नहीं, क्यों? कैसे होगी फिल्म की एंडिंग? Hello and welcome, this is your host from Bollygraph Studios and we are back with another interesting video. So let's get started without any delay. कन्नड़ फिल्म KGF के दूसरे पार्ट KGF Chapter 2 में संजय दत्त के बाद काफी पहले रवीना टंडन की भी एंट्री हो गई थी। इस फिल्म में रवीना उस PM का रमिक का सीन का रोल निभाएंगी जो डेथ वारंट जारी करती है। हालांकि KGF में बस उनकी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन अब KGF 2 में वो खुद भी दिखाई देंगी। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शुरुआत ही रवीना के उस सीन से होगी जिसका पोस्टर रवीना के बर्थडे पर शेयर किया गया था, जिसमें वो संसद में लाल साड़ी में बैठी हुई नजर आई थी। हालांकि पहली सीन रमिका को बस पावरफुल दिखाया जाने वाला है, उनका KGF 2 में रोल बाद में सामने आएगा। बता दें, फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील कर रहे हैं, तो फिल्म में ट्विस्ट का होना लाजमी है और प्रशांत नील की मूवी में ट्विस्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और ये ट्विस्ट रवीना के किरदार में ही देखने को मिलेगा। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। रवीना टंडन को कई साल पहले रिलीज हुई खानदानी शफाखाना फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में देखा गया था। इसके बाद 2015 में उन्होंने बॉम्बे वेलवेट से इंडस्ट्री में वापसी की थी। इसके बाद साल 2017 में उनकी तीन फिल्में आई थी, मात्र, हनुमान दमदार और शव। इसके अलावा रवीना टेलीविजन रियलिटी शो में भी जज के तौर पर शामिल रही हैं। KGF के पहले पार्ट का प्रोडक्शन महज 50-80 करोड़ के बजट में हुआ था, जिसने करीब 243-250 करोड़ का बिजनेस किया था। यही वजह थी फिल्म के दूसरे पार्ट को बनाने की। बता दें कि KGF चैप्टर 2 में यश अधीरा के रोल में संजय दत्त और श्रीनिधि शेट्टी, अनंत नाग, मालविका अविनाश जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। KGF 2 फिल्म की कहानी के बारे में ये भी सामने आया है कि रॉकी यानी यश इस पार्ट में
तीन दुश्मनों यानी गरुड़, इनायत खलील और रीना की बॉयफ्रेंड कमल से लड़ते हुए नजर आएंगे। फिल्म में इसी सीक्वेंस में उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन ये सब तब होगा जब रीना का रॉकी के सामने पर्दाफाश होगा। कहते हैं ना, इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्यार में धोखा वो कभी नहीं हो सकता। बस ऐसा ही होगा केजीएफ 2 के रॉकी के साथ भी। उसने माँ ने लड़का सिखाया, वहीं कैसे सर उठाकर जीना सिखाया, जिससे रॉकी को माँ के बाद जीने का मकसद मिला। फिर रॉकी की लाइफ में रीना आई, जिससे उसे जिंदगी मिली। इस दौरान रॉकी सभी मुश्किलों से खुशी खुशी लड़ता रहा, लेकिन जब उसे मिलेगा प्यार में धोखा, रॉकी भी टूटेगा और सबको तरीके से भी तोड़ेगा। इसी दौरान लड़ते लड़ते उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि रॉकी खुद से हार जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होगा, ना माँ का प्यार ना यार का साथ, बस यही होगा पिक्चर का दी एंड। तो आपको क्या लगता है, रॉकी का प्यार पड़ेगा उसी पर भारी, क्या प्यार के आगे सब कुछ रह जाएगा खाली? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब मैं आपकी होस्ट पलक आपसे विदा लेना चाहूंगी, साथ ही KGF से क्या नई पहचान मिली यश को? क्यों नो शेव नवंबर को जोड़ा गया था KGF से? किस लुक को बढ़ावा मिला KGF से? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। हीरो, विलन, ग्लैमर और पूरी क्रू की मेहनत से बनती है एक फिल्म, लेकिन उस फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान से देखा जाता है हीरो और विलन का गेटअप, कि कैसे वो तैयार हुए और कैसे उन्होंने लुक की छाप लोगों पर और खुद की लाइफ पर भी छोड़ी है। ऐसी ही फिल्म थी KGF चैप्टर 1। KGF चैप्टर 2 के विलन संजय दत्त के लुक पर सबने बात की, लेकिन KGF चैप्टर 2 और KGF के हीरो की बात करना सब भूल गए, जबकि यश की लाइफ पर रॉकी ने गहरी छाप छोड़ी थी। वो इसलिए जब रॉकी की एंट्री KGF में हुई, उससे पहले रॉकी का नाम सिर्फ यश था, उनकी पहचान उनके नाम से होती, जो नाम था यश। लेकिन जैसे ही यश रॉकी बना तो उसे गैंगस्टर लुक देने के लिए लंबे बाल और बड़ी दाढ़ी लगाई गई, ताकि वो एक गैंगस्टर लगे। लेकिन इसी के साथ रॉकी के किरदार में कुछ अच्छी आदतें डाली गईं, जिससे वो एक अच्छे गैंगस्टर लगे। फिर KGF रिलीज हुई। KGF में रॉकी के लुक को काफी पसंद किया गया, उसे नो शेव नवंबर लुक से भी जोड़ा गया, क्योंकि रॉकी की मां को कैंसर था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो उनका इलाज नहीं करवा पाए थे, इसीलिए इसको नो शेव नवंबर से जोड़ा गया। अगर आपको नो शेव नवंबर का मतलब नहीं पता तो बता दें, नो शेव नवंबर एक ट्रेंड है जिसमें कोई भी अपनी ग्रूमिंग पर होने वाले खर्चे को कैंसर पेशेंट को डोनेट कर देता है और खुद की ग्रूमिंग पर नहीं करता। यही करते कुछ टाइम पहले यश भी सोशल मीडिया पर नजर आए थे, उसी के साथ बॉलीवुड में भी लंबे बाल बड़ी दाढ़ी का चलन हुआ। बॉलीवुड में सबसे पहले ये ट्रेंड रणवीर सिंह लेकर आए थे। बता दें, रॉकी के लुक के बाद लोग यश को रॉकी के रूप में जानने लगे, लेकिन उनकी रियल आइडेंटिटी से ज्यादा लोग उनकी रियल आइडेंटिटी रॉकी भाई के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं। रॉकी के फैंस ने उनके हेयर स्टाइल को कॉपी किया, लेकिन उनका हेयर स्टाइल लुक वाकई अच्छा था, जिसकी वजह से ही उसे खुद यश ने भी रियल लाइफ में मेंटेन करके रखा है। आज भी जब हम यश को देखते हैं तो वो सोशल मीडिया पर अपने लंबे बाल और नाइसली मेंटेन बियर्ड को दिखाते नजर आते हैं, और अब KGF 2 में भी वो इसी लुक में नजर आएंगे। साथ ही बता दें, इस लुक के पीछे सबसे बड़ा हाथ यश और रॉकी के हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम का हाथ है, उन्हीं ने यश को रॉकी बनाया है।
जो आज एक ट्रेंड बन चुका है। बता दे एक बार फिर यश इसी रॉकी लुक को KGF 2 में साथ लेकर आएंगे। कनेक्शन किसके लिए देंगी श्रीनिधि शेट्टी रॉकी भाई को धोखा? क्या इनायत खलील मिलाएगा रॉकी भाई से हाथ? हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, जहां आपको मिलता है बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरें, वो भी मेरे यानी श्रुति के साथ। KGF के कई सारे किरदारों के बीच आपस में क्या कनेक्शन है, क्या आप लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया? रमिका सेन का किरदार निभा रही रवीना टंडन और अदीरा का किरदार निभा रहे संजय दत्त। अधीरा को गरुड़ा KGF के अंदर मरवा देता है, जहां सबको लगता है कि अधीरा की मौत हो चुकी है, वहीं अधीरा को मौत के मुंह से बचा कर लाने वाली रमिका सेन होती है। ये बात किसी को भी पता नहीं होती। गरुड़ा की मौत की खबर रमिका सेन तक भी जाती है, जिससे साफ नजर आता है कि KGF की जानकारी उससे भी कहीं ना कहीं थी, और ये जानकारी उस तक सिर्फ अधीरा ही पहुंचा सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी कैरेक्टर्स जो कि KGF से जुड़े हुए हैं, सब के सब रमिका के खिलाफ ही नजर आए हैं। रॉकी भाई भी जिस पर अंधा भरोसा कर सकते हैं, वो है उनका ट्रू लव रीना, यानी कि श्रीधी शेट्टी। लेकिन अगर ऐसे में सिर्फ इकलौता ऐसा इंसान जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं, वो भी उन्हें धोखा दे दे, तो कैसा लगेगा? श्रीनिधि शेट्टी जहां रॉकी भाई का कदम कदम पर साथ निभाती हुई दिखाई देगी, वहीं हर कदमों के पीछे वो रॉकी के लिए जाल बुनती जाएंगी, जिसका खुलासा फिल्म के क्लाइमैक्स पर होगा। पोस्टर में जिस तरह का श्रीनिधि शेट्टी का लुक नजर आ रहा है, उसे ये एक ऐसा मोमेंट दिखाई दे रहा है जहां वो गेट खोलकर पलकी बिछाकर किसी का स्वागत कर रही है। लेकिन वहां KGF में गरुड़ा को मारने में काफी लंबे समय का वक्त लग गया था, शायद अब तक श्रीनिधि शेट्टी को कोई और मिल गया होगा जिसने रॉकी की कमी उनकी जिंदगी में पूरी कर दी। लेकिन 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 अभी एक और इंसान बाकी है जिस पर रॉकी भाई भरोसा कर सकते हैं। वो इकलौता ऐसा इंसान है जिसे पता है कि रॉकी भाई को हराना कितना ज्यादा मुश्किल है, और वो है दुबई का शेख इनायत खलील। जो इनायत खलील मुंबई में सिर्फ रॉकी भाई के होने से अपनी ड्रग सप्लाई नहीं कर पा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं। क्या संजय दत्त के हाथों होगी यश की मौत? क्या हीरो को मारना है फिल्म को हिट कराने का तरीका? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, दिस इज साची योर होस्ट विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉलीवुड की फिल्में हमेशा से ही इमोशन से भरपूर होती हैं। बॉलीवुड की फिल्म हो और उसमें आपको इमोशन, एक्शन और ड्रामा जरूर देखने को मिलेगा, और शायद इसलिए ऑडियंस को ऐसी फिल्में देखना भी पसंद है। क्या आपको याद है कि लास्ट कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसे आपने देखा था और आप वो फिल्म देखकर रोए थे? अगर फिल्म का एक्टर आपको अपने दुख में रुला दे, तो इसका मतलब ये है कि फिल्म पूरा पैसा वसूल है, और बॉलीवुड का यही मंत्र टॉलीवुड भी अब इस्तेमाल कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं यश की KGF 2 की, जिसने अपनी दुख भरी कहानी और अपने माँ को दिए गए वादे को बड़े पर्दे पे दिखाकर पूरे ऑडियंस का दिल जीत लिया, और ये फिल्म इतनी हिट हो गई कि लोग अब इसके सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। KGF 2 की हाइप इतनी ज्यादा है कि कुछ समय पहले तो ऑडियंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑफिशियल हॉलीडे की डिमांड कर दी थी, जिस दिन इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें, KGF 2 में हम हीरो के किरदार में यश यानी रॉकी भाई और अधीरा के किरदार में हम संजय दत्त को देखने वाले हैं। आपको पता है, इस फिल्म का क्लाइमेक्स फुल ऑन हाई वोल्टेज एक्शन से और साथ ही साथ इमोशन से भरा होगा। जब
यश और संजय दत्त जैसे बड़े एक्टर एक दूसरे का सामना करेंगे तो बड़े पर्दे पर क्या होगा ये बात तो अब सब जानते हैं। धमाका। सोचने वाली बात यह है कि काफी लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि क्या फिल्म के एंड में रॉकी भाई की मौत हो जाएगी। काफी बार फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स ऑडियंस को इमोशन फील कराने की कोशिश करते हैं और ऐसी ही फिल्म ऑडियंस को भी पसंद आती है। इसका एग्जांपल है हाल ही में आई फिल्म शेरशाह। हालांकि ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी पर ये फिल्म काफी इमोशनल वाली थी और लोगों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म के एंडिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा जो विक्रम बत्रा का किरदार निभाते हैं उनकी मौत हो जाती है जिससे काफी सारे लोग कनेक्टेड फील करते हैं और जब इस फिल्म के एंडिंग में गाना बजता है मन भरिया तो लोग इससे और भी ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। बैकग्राउंड में गाना मन भरिया इस फिल्म के इमोशन को और बढ़ा देते हैं और शायद क्लाइमेक्स से ऑडियंस का भी दिल भर आया और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करार कर दिया गया। यही नहीं इससे पहले भी काफी बार फिल्म में हीरो की मौत को इमोशन हाई करने के लिए लिखा जाता है और इसलिए लोगों को लग रहा है कि क्या रॉकी भाई के किरदार को भी मार दिया जाएगा लोगों को इमोशनली कनेक्टेड फील कराने के लिए और उनके आंखों में आंसू लाने के लिए। क्या अधीरा सही में रॉकी भाई को मार देगा? बताइए हमें कमेंट बॉक्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं। क्या संजय दत्त के हाथों होगी यश की मौत? क्या हीरो को मारना है फिल्म को हिट कराने का तरीका? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियो, दिस इज साची योर होस्ट विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉलीवुड की फिल्में हमेशा से ही इमोशन से भरपूर होती हैं। बॉलीवुड की फिल्म हो और उसमें आपको इमोशन, एक्शन और ड्रामा जरूर देखने को मिलेगा और शायद इसलिए ऑडियंस को ऐसी फिल्में देखना भी पसंद है। क्या आपको याद है कि लास्ट कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसे आपने देखा था और आप वो फिल्म देखकर रोए थे? अगर फिल्म का एक्टर आपको अपने दुख में रुला दे तो इसका मतलब ये है कि फिल्म पूरा पैसा वसूल है और बॉलीवुड का यही मंत्र टॉलीवुड भी अब इस्तेमाल कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं यश की KGF 2 की, जिसने अपनी दुख भरी कहानी और अपने माँ को दिए गए वादे को बड़े पर्दे पे दिखाकर पूरे ऑडियंस का दिल जीत लिया और ये फिल्म इतनी हिट हो गई कि लोग अब इसके सेकेंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। KGF 2 की हाइप इतनी ज्यादा है कि कुछ समय पहले तो ऑडियंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑफिशियल हॉलीडे की डिमांड कर दी थी जिस दिन इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें KGF 2 में हम हीरो के किरदार में यश यानी रॉकी भाई और अधीरा के किरदार में हम संजय दत्त को देखने वाले हैं। आपको पता है इस फिल्म का क्लाइमेक्स फुल ऑन हाई वोल्टेज एक्शन से और साथ ही साथ इमोशन से भरा होगा। जब यश और संजय दत्त जैसे बड़े एक्टर एक दूसरे का सामना करेंगे तो बड़े पर्दे पर क्या होगा ये बात तो अब सब जानते हैं। धमाका। सोचने वाली बात यह है कि काफी लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि क्या फिल्म के एंड में रॉकी भाई की मौत हो जाएगी। काफी बार फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स ऑडियंस को इमोशन फील कराने की कोशिश करते हैं और ऐसी ही फिल्म ऑडियंस को भी पसंद आती है। इसका एग्जांपल है हाल ही में आई फिल्म शेरशाह। हालांकि ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी पर ये फिल्म काफी इमोशनल वाली थी और लोगों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म के एंडिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा जो विक्रम बत्रा का किरदार निभाते हैं उनकी मौत हो जाती है जिससे काफी सारे लोग कनेक्टेड फील करते हैं और जब इस फिल्म के एंडिंग में गाना बजता है मन भरिया तो लोग इससे और भी ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। बैकग्राउंड में गाना मन भरिया इस फिल्म के इमोशन को और बढ़ा देते हैं और शायद क्लाइमेक्स से ऑडियंस का भी दिल भर आया और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करार कर दिया गया। यही नहीं इससे पहले भी काफी बार भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी।
सिंस 1951। झलक भी दिया गया है और उनके लुक को काफी कूल माना जा रहा है, उनके किरदार को भी काफी कूल माना जा रहा है लोगों द्वारा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि किसी विलेन को एक स्पेशल स्टाइलिस्ट हेयर स्टाइल साथ ही साथ एक कूल टैटू के साथ दिखाया जाने वाला है। ऐसा पहली बार होगा जब एक विलेन की पहचान टैटू से होगी। पर अधीरा के जीवन में टैटू का इम्पोर्टेंस कुछ अलग है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधीरा अपने बॉडी पर इन टैटू के जरिए कुछ कोड वर्ड्स लिखते हुए नजर आएगा। आज भी संजय दत्त जब स्क्रीन पर आते हैं तो वो अपनी फिटनेस से सभी को चौंका देते हैं। कई नजारा हमने वास्तव अभी पर खलनायक और संजू बायोपिक में भी देख रखा है, जो ये दर्शाता है कि संजय दत्त मतलब एट एप्स वाला सुपरस्टार। आपको बता दें, संजय दत्त का किरदार अधीरा गरुड़ और विराट के चाचा सूर्यवर्धन का भाई है। वह सूर्यवर्धन का सक्सेसर बनना चाहता था, पर इसके लिए गरुड़ के साइड से हार नहीं थी। उसने अपने भाई से वादा किया था कि वह गरुड़ के जिंदा रहने तक नराची पर हमला नहीं करेगा। अधीरा केजीएफ 2 में धमाल मचाने और रॉकी के किरदार को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। रॉकी की मदद और सरकार की छेड़खानी से रॉकी फिल्म के खतरनाक विलेन अधीरा को धोखा देंगे। केजीएफ 2 के फिल्म के एंड की बात करें तो रॉकी का किरदार मरेगा नहीं, पर वो अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़ देगा और साथ ही साथ जो भी गुंडागर्दी वो किया करता था वो सब भी छोड़ देगा और अपना जीवन एक नए सिरे से शांतिपूर्वक फिर से स्टार्ट करेगा। फिल्म में रॉकी का मकसद है कि वो सिस्टम में एक चेंज ला पाए और साथ ही साथ लोगों की मदद कर पाए। तो सबसे ज्यादा मायने टकराएगी लाल सिंह चड्ढा से 2022 की शुरुआत में कौन सी बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सिनेमाघर खुले हैं और फिल्में रिलीज हो रही हैं और रिलीज डेट अनाउंस हो रही है लगातार आने वाली फिल्मों की। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा की भी नई रिलीज डेट सामने आई है, जो कि 14 अप्रैल को यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज हो रही है। इनके अलावा भी कई मोस्ट अवेटेड फिल्में ऐसी हैं जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्लैश देखने को मिल सकता है। फिलहाल केजीएफ चैप्टर 2 जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है, अगर लाल सिंह चड्ढा से टकराती है तो एक अलग ही चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि सालों पहले आपको याद हो जब 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी, उसके साथ खान की ही फिल्म रिलीज हुई, यानी कि शाहरुख खान की जीरो, और उसको हरा दिया था। एक बार फिर से खान के साथ ही टकरा रही है, इस बार आमिर खान सामने होंगे, तो देखना होगा अगर दोनों का क्लैश होगा तो कौन आगे निकलेगा। आप बताइएगा कौन आगे निकल सकता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं और कौन कौन सी फिल्में टकरा रही है। साल की शुरुआत में SS राजामौली की पैन इंडिया फिल्म RRR भी रिलीज होने जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट, रामचरण, जूनियर NTR नजर आएंगे। फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होगी, जिसके अगले हफ्ते 14 जनवरी को प्रभास और पूजा हेगड़े की भी फिल्म रिलीज होने वाली है और इसमें 7 दिनों का गैप है, इससे दोनों फिल्मों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इसके बाद नंबर आएगा अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्मों का, पृथ्वीराज आने वाली है और अटैक जो कि जॉन की है जनवरी में टकराएगी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि लक्ष्य राज आनंद के निर्देशन में बनी अटैक
उसके 3 दिन बाद रिलीज होगी। सोचिए कितना फर्क पड़ने वाला है दोनों फिल्मों को। फिर आएगा बधाई दो और बिफोर यू डाई का क्लैश 4 फरवरी को एक साथ। राजकुमार राव भूमि पेडनेकर की बधाई दो, पुनीत राज शर्मा काव्या कश्यप की फिल्म बिफोर यू डाई आएगी, दोनों ही टकराएंगी, देखना होगा कौन आगे निकलेगी। उसके बाद नंबर आएगा संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि 6 जनवरी की बजाय 18 फरवरी को रिलीज होने वाली है। यानी कि दोनों ही फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद नंबर आएगा बच्चन पांडे और शमशेरा का, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और रणबीर कपूर की शमशेरा फरवरी में 2 हफ्ते के अंतराल में रिलीज होगी। बच्चन पांडे 4 मार्च को रिलीज होगी, शमशेरा 18 मार्च को रिलीज होगी, दोनों ही फिल्में टकराएंगी। फिर आएगा भूलभुलैया 2 और अनेक का नंबर कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी और तब्बू स्टारर हॉरर कॉमेडी भूलभुलैया 2 और इसके बाद आपको बता दें अनेक रिलीज होगी। भूलभुलैया 2 रिलीज होगी 25 मार्च को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते, इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। क्या मेकर्स करेंगे रैग्स टू रिचेस का फंदा इस्तेमाल? क्या रॉकी की बहन की एंट्री का हिंट दिया है केजीएफ 2 के मेकर्स ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर फैंस के बीच जैसी एक्साइटमेंट इन दिनों देखने को मिल रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ने का पोटेंशियल रखती है। हाल ही में रॉकिंग स्टार यश की फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था और ये टीजर तेजी से वायरल हो गया था। यश की केजीएफ 2 के टीजर को यूट्यूब पर अभी तक 125 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब जो फैंस इस फिल्म की कहानी जानने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए काफी बड़ा हिंट आ चुका है। इस फिल्म की कहानी में शायद फिल्म मेकर्स रैग्स टू रिचेस का फंडा इस्तेमाल करने वाले हैं। फिल्म में हमें संजय दत्त भी देखने वाले हैं। खबर है कि केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इस फिल्म का पहला पार्ट खत्म हुआ था। फिल्म के सीक्वल की कहानी में एक्टर यश के किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वो गरीबी में नहीं मरेंगे। बस इस फिल्म के सीक्वल में हमें रॉकी का पावरफुल और रिच लुक देखने मिला। वो अपना वादा इस फिल्म के दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे और इसकी झलक मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में भी दे दी है। टीजर में ये लिखा गया था कि वादा पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि ये रैग्स टू रिचेस का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही बॉलीवुड में पसंद किया गया है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो हमें फिल्म के मेकर्स ने एक और हिंट दिया है। हो सकता है कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें रॉकी को टक्कर देने वाली एक बहन भी दिखे। तो क्या है ये हिंट जिसकी हम बात कर रहे हैं? दरअसल ये सब शुरू हुआ तब जब एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि क्या हमें रॉकी की बहन भी देखने को मिल सकती है, और इस ट्वीट को लोगों ने भर भर के रीट्वीट और शेयर किया। इस ट्वीट को मिले रिएक्शन देखकर बाकी फैंस भी रॉकी की बहन की मांग करने लगे थे, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इस बात की कभी पुष्टि नहीं की। लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट के अनाउंस के करते हुए अलग टाइप का हिंट दे दिया। रक्षाबंधन के खास मौके पर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई थी। ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के लीड स्टार्स यश और संजय दत्त के साथ डायरेक्टर वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, अकेला आता था। मॉन्स्टर क्या बिना स्क्रिप्ट पढ़े क्या जा सकता है फिल्म को साइन? रवीना ने फिल्म के कास्टिंग के दौरान कौन सी गलती की? केजीएफ और प्रशांत नील के बारे में क्या ख्याल है रवीना का? दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा, लेकर आई हूँ आपके लिए गर्मा गर्म बॉलीवुड न्यूज। दोस्तों किसी बड़ी स्टार से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो इतनी बड़ी गलती कर जाए? बिना स्क्रिप्ट पढ़े बिना इनकी फिल्म देखे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जी हाँ, ऐसे ही गलती हुई है केजीएफ 2 से सुर्खियों में आई रवीना टंडन से, जो काफी दिनों से बॉलीवुड में नजरबंद थी।
जिन्होंने काफी वक्त से कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन अब वो फिल्म कर रही है और फिल्म में जाने को भी तैयार है, वो भी बिना किसी के फिल्म के स्क्रिप्ट पढ़े। आपको बता दें कि फिल्म KGF चैप्टर 2 की बातें तभी से हो रही है जब से इसका पार्ट 1 रिलीज होकर हिट हुआ है। फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे। डायरेक्टर प्रशांत नील की इस फिल्म में इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और संजय दत्त देखने को मिलेंगे। हाल ही में रवीना ने इस फिल्म में अपने किरदार पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी थी बिना पार्ट 1 देखे, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी शानदार। दोस्तों रवीना कहती है, फिल्म की स्टोरी लाइन से मैं काफी इंप्रेस्ड हुई थी, टीम से लगातार बातचीत हो रही थी, प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मैंने बिना KGF का पार्ट 1 देखे ही फिल्म के लिए हामी भर दी। लेकिन फिर जब मैंने पार्ट 1 देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरे लिए ये न्यू एज सिनेमा अप्रोच था। हालांकि ये भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन किस तरह से दर्शकों को प्रभावित करती है, और फिर मेरा रोल काफी दिलचस्प होने वाला था तो मैं इसके लिए कैसे मना कर। रवीना आगे कहती है कि प्रशांत नील का काम शानदार रहा है, मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में कब क्या आइडिया आ जाए। असल में वो काफी शांत किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी फिल्म में इसके एकदम ऑपोजिट। दोस्तों KGF चैप्टर 2 का पहला टीजर 8 जनवरी को रिलीज हुआ था, जिसने अब तक लगभग 250 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर क्रॉस कर लिए। अब तो इसके ट्रेलर का इंतजार है, क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में अभी भी कुछ महीने बाकी। दे पाएंगे यश को मात? बॉलीवुड फिल्में कुछ चीजों के लिए खास जानी जाती हैं, और इनमें से कुछ चीजें हैं बॉलीवुड के गाने और बॉलीवुड का बड़ा बजट। बॉलीवुड फिल्मों से बड़े बजट फिल्मों को दुनिया भर में जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्मों करोड़ों के बजट पर बनाई जाती है, और इसलिए इन फिल्मों की कमाई भी करोड़ों में होती है। बॉलीवुड की फिल्मों ने ही 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब का निर्माण किया है। लेकिन कुछ समय पहले एक नई चीज देखी गई है, और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्में भी बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जा रही है। साउथ फिल्म एक्टर प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण और जूनियर NTR समेत कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुंचने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी सितारों की ये अपकमिंग फिल्म मेगा बजट फिल्में हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। बजट के मामले में ये सभी फिल्में बॉलीवुड को भी हिला देने वाली हैं। दक्षिण भारत में आई साउथ फिल्मों को देश भर में पॉपुलैरिटी के नए स्टैंडर्ड सेट पर पहुंचा दिया है। उन्हीं में से एक थी KGF। इस कन्नड़ फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए एक बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के बीच खूब प्यार मिला, और उसी का नतीजा है कि अब इसके सीक्वल KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर देश में कोरोना वायरस की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती तो KGF चैप्टर 2 को पहले ही रिलीज किया जा चुका होता, और ये फिल्म 16 जुलाई को सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी होती। फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी, मगर अब ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोड़ के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है। अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। आजकल थिएटर में फिल्में कम कमाई कर रही हैं, और इस फिल्म के इतने बड़े बजट पर बनने की वजह से अब फिल्म के मेकर्स को ये डर सता रहा है कि कहीं इस फिल्म के मेकर्स को 100 करोड़ का लॉस ना हो जाए। आपको बता दें कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट ने साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 की हिंदी राइट्स 90 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। 2018 में रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सल एंटरटेनमेंट ने KGF चैप्टर 1 फिल्म के राइट्स को भी खरीदे थे। तब सभी को लगा था कि वे इस फिल्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। क्या है सीक्वल से जुड़ा फिल्मी बिजनेस? क्यों होती है मेकर्स को सीक्वल की जरूरत? केजीएफ का सीक्वल बनाने की क्या थी खास वजह? जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। फिल्म शोले का ये डायलॉग सिनेमा में सीक्वल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफी है। मतलब साफ है कि जब जब इंडस्ट्री में कुछ भी हिट होगा तो मेकर्स उसकी सफलता को दोबारा बनाने के लिए उसके सीक्वल पर जरूर विचार करेंगे, भले ही वह फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, रियलिटी शो हो या फिर वेब सीरीज हो। पुराने एग्जाम्पल देख लीजिए, सीक्वल हर उस फिल्म में नजर आएंगे जिन्हें फैंस ने उम्मीद से बढ़कर रिस्पॉन्स दिया है। भले ही वह फिल्म धूम हो या कृष्ण, धूम फिल्म यूथ्स में इतना हिट हो जाएगा खुद मेकर्स ने कभी सोचा नहीं था। लिहाजा सीक्वल आया धूम 2, वो भी हिट। तीसरा पार्ट आया, वो भी हिट। यानी जब तक सीक्वल आते रहेंगे मेकर्स इसके सीक्वल बनाते रहेंगे। कुछ ऐसे ही कहानी कृष्ण, गोलमाल, रेस जैसी सीरीज का भी है। कुछ ऐसे ही रियलिटी शोज का हाल है। यही कारण है कि बिग बॉस का 15 सीजन इस बार आया। टीवी शोज के साथ ही साथ वेब सीरीज भी इसी सिलसिले में आगे चल रहे हैं। स्केच गेम्स हो या मिर्जापुर या फिर द फाइनल कॉल, ऐसी तमाम वेब सीरीज है जिनके या तो दूसरे सीजन आ चुके हैं या फिर आने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि कहां से हुई सीक्वल की शुरुआत, कैसे आया सीक्वल का ट्रेंड, सीक्वल में किन फिल्मों का नाम है शामिल और किन फिल्मों के सीक्वल बनने की हो रही है तैयारी। ऐसे ही कई सवालों के जवाब मिलेंगे आज इस वीडियो में। सीक्वल सिर्फ बॉलीवुड फिल्म के ही नहीं बल्कि साउथ फिल्मों के भी बनते हैं। साउथ इंडस्ट्री इस दौर में काफी हद तक ज्यादा आगे निकल चुकी है, हर दूसरी फिल्म का सीक्वल बनने को तैयार है। शायद यही वजह है कि साउथ की देखा देखी बॉलीवुड और कई टीवी शोज में इसका क्रेज कायम है। लेकिन अब क्यों पड़ती है सीक्वल की जरूरत? बता दें, सीक्वल की जरूरत उन्हीं फिल्मों को पड़ती है जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जिन्हें उम्मीद से ज्यादा लोगों का प्यार मिलता है। उसके एक्टर एक्ट्रेस को जानने के लिए लोग काफी दिलचस्प रहते हैं। इसका एक सीधा साधा एग्जांपल है केजीएफ, जो 2018 में आई थी और आते ही इसने ऐसी धूम मचाई कि मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट पर अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी फिल्म से साउथ में यश को एक अलग फैन बेस मिला। हालांकि यश पहले भी साउथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे लेकिन उन्हें पहचान फिल्म केजीएफ से मिली। अब इसका सीक्वल यानी कि पहले पार्ट की कहानी को दूसरे पार्ट से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रशांत नील ने अपना डायरेक्टर दिमाग लगाते हुए बॉलीवुड को भी मर्ज कर दिया और बॉलीवुड से भी ऐसे एक्टर्स जो खुद में फेमस हैं। केजीएफ 2 देने वाले रिकॉर्ड बनाए और एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए अब KGF 2 आ रही है। लेकिन उससे पहले KGF सीरीज की उन उपलब्धियों की बात कर ले जो उसने हासिल की थी। बता दें कि KGF चैप्टर 1 के सारे डब वर्सन को भारत में 20 दिसंबर 2018 में एक साथ पूरे देश में रिलीज किया गया था। KGF चैप्टर 1 को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया था
और इस फिल्म के रीजल और ट्रेलर देखने के बाद ये फिल्म किसी हॉलीवुड फिल्म से कम तो नहीं लग रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि KGF चैप्टर 1 फिल्म को लेकर नॉर्थ साइड में ज्यादातर लोग इसीलिए उत्सुक थे क्योंकि वो इससे पहले बाहुबली द बिगिनिंग एंड बाहुबली 2 में साउथ की फिल्मों का कमाल देख चुके थे कि वो कितने बड़े लेवल पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अपनी फिल्म को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हालांकि बाहुबली की पूरी सीरीज तेलुगु में शूट की गई थी और KGF पूरी की पूरी कन्नड़ भाषा में शूट की गई थी। अब की बार KGF 2 भी कन्नड़ में ही शूट किया जाएगा लेकिन इसे हिंदी के साथ ही कई दूसरी रीजनल लैंग्वेज में भी डब किया जाएगा। लेकिन फिल्म KGF से लोगों की उम्मीद जितनी ज्यादा थी उससे कई ज्यादा उम्मीद तो लोगों को KGF 2 से है क्योंकि प्रशांत नील ने फिल्मों का ना एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है। फिल्म को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है लेकिन आपको तो पता ही है कि लोगों को इस मूवी से इतनी उम्मीदें क्यों है। तो बता दें कि इन्होंने इससे पहले 2014 में भी कन्नड़ भाषा की एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म उग्रम को डायरेक्ट किया था लेकिन इस फिल्म की हिंदी में डबिंग नहीं हुई थी। दोस्तों ये प्रशांत नील की डायरेक्ट की गई पहली फिल्म थी और ये कन्नड़ भाषा में उस समय की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। KGF चैप्टर 1 फिल्म के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफी और एडिटर के तौर पर प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम की टीम के द्वारा ही तैयार किया गया था। म्यूजिक में रवि बसरूर, सिनेमेटोग्राफी के तौर पर भुवन गौड़ा और एडिटर के लिए श्रीकांत गौड़ा को ही लिया गया था। आपको बता दें कि यही वजह है कि फिल्म उग्रम और KGF के अंदर सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में काफी कुछ चीजें एक जैसे ही देखने को मिलती है। इसकी सफलता के बाद जब इसे हिंदी में डब किया गया तो इसकी सफलता आसमान पर थी। इसके एक्शन और कहानी ने तो लोगों का दिल इतना जीत लिया था कि तभी हमारे डायरेक्टर साहब यानी प्रशांत नील ने फैसला कर लिया था कि इसका दूसरा पार्ट तो बनता है। इस फिल्म में कई अलग अलग एलिमेंट जोड़े गए, एक दमदार कहानी जो कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों होगी, साथ ही इसमें नए कैरेक्टर को साथ लाया जाने वाला है जिसमें अधीरा जो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, रमिका सेन जो राजनीति से उठाया गया किरदार है और रॉकी जिसे हम पहले भी फिल्म में देख चुके हैं। KGF 2 में प्रशांत की वही टीम उनके साथ काम कर रही है जो इनकी पहली फिल्म में इनके साथ थी। जी हाँ, क्योंकि वो टीम अच्छे से जानती है कि लोगों को कौन सा एक्शन सीन कब देखना पसंद है और लोग कब सीटी मारना पसंद। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट कर। खुद को समझता क्या? KGF 2 से पुष्पा आदि पुरुष तक हीरो नहीं क्या खूंखार विलन अपनी दहाड़ से हिलाएंगे थिएटर्स। KGF 2 की खास बातें क्या हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। जब से सिनेमाघर खुलने का ऐलान किया गया है तभी से फिल्म मेकर्स अपनी अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए डेट घोषित कर रहे हैं। सामने आई फिल्मों की रिलीज डेट को देखकर कहा जा सकता है कि इनमें से कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के साथ क्लैश भी करेंगी। वहीं किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में जितना बड़ा हाथ फिल्म के लीड हीरो का होता है उतना ही बड़ा हाथ फिल्म के विलन का भी होता है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी जबरदस्त फिल्में रिलीज हो रही हैं जिनके विलन फिल्म के लीड हीरो को कड़ी चुनौती देते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इनकी दहाड़ से इस बार सिनेमा घर हिल जाएंगे। आपको बता दें कि आने वाले समय में ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसमें सैफ अली खान, संजय दत्त से लेकर ऋतिक रोशन, फहाद फासिल, जगापति बाबू और सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा तक खूंखार विलेन का रोल प्ले करते नजर आएंगे। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 में संजय दत्त लीड विलेन का रोल कर रहे हैं। इस फिल्म में उनका नाम अधीरा है। फिल्म में संजय दत्त का गेटअप ही इतना जबरदस्त है कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और बाहुबली के नाम से फेमस प्रभास की फिल्म आदि पुरुष में सैफ अली खान लंकेश के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में सैफ का रोल देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अंतिम में उनके बहनों आयुष शर्मा लीड विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। सामने आए फिल्म के पोस्टर में देखा जा सकता है कि आयुष का लुक काफी खूंखार है। जॉन अब्राहम अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 में खुद से ही भिड़ते नजर आएंगे। जॉन की ये फिल्म अभी से ही सुर्खियां बटोर रही है। इसका पहला पार्ट भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन विलन का किरदार निभाने वाले हैं, जबकि इस फिल्म में सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखेंगे। दोनों को आपस में भिड़ते देखने के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी से उनका मुकाबला खूंखार विलेन का रोल प्ले कर रहे अभिमन्यु सिंह से होता है। फिल्म में उनका किरदार सीधा साधा दिखने वाला एक शातिर क्रिमिनल का है। अलू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में फसाद फासिल क्रूर आईपीएस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभा रहे हैं। फहाद के फर्स्ट लुक ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। फिल्म सालार से जगापति बाबू के फर्स्ट लुक का खुलासा मेकर चल नाम बोल राजा कृष्णप्पा बेरिया। और उनका हाल इतना बुरा था कि वो दिन भर बेहोशी और नशे की हालत में ही पड़े रहते थे और इस सब से भी उभर कर उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। इतने बुरे हाल में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग के कमाल से अपना नाम बनाया और हम सबके फेवरेट बन गए। चाहे वो उनका मुन्ना भाई में एक बदले हुए गुंडे का किरदार हो जिसने हम सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया हो या फिर अग्निपथ में उनका विलेन का किरदार हो जो कि हम सबको उस कहानी से बांध पाया। चाहे वो उनका खलनायक फिल्म में एक ऐसे विलेन का किरदार हो जो कि इतना पेचीदा होने के बावजूद भी हम सबको अपने लिए फील करवा पाया या फिर सनम सरदार में एक ऐसे आदमी का किरदार जिसे अपने दुश्मन को अपने घर में मेहमान बनाकर रखना पड़ा हो। संजय दत्त कभी हमें निराश नहीं करते और अब लगता है कि उनकी आने वाली इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ 2 में उनका किरदार सबसे धांसू होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 के बारे में। जब से सिनेमा घर खोलने का ऐलान किया गया है तभी से फिल्म मेकर्स अपनी अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए डेट घोषित कर रहे हैं। सामने आई फिल्मों की रिलीज डेट को देखकर कहा जा सकता है कि इनमें से कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के साथ क्लैश भी करेंगी। वहीं किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में जितना बड़ा हाथ फिल्म के लीड हीरो का होता है उतना ही बड़ा हाथ फिल्म के विलेन का भी होता है। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी जबरदस्त फिल्में रिलीज हो रही है जिनके विलेन फिल्म के लीड हीरो को कड़ी चुनौती देते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इनकी दहाड़ से तो इस बार सिनेमा घर भी हिल जाएंगे और कुछ ऐसा ही होने वाला है केजीएफ 2 में भी। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 में संजय दत्त लीड विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म में उनका नाम अनीरा है। फिल्म में संजय दत्त का गेटअप ही इतना जबरदस्त है कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 साउथ एक्टर यश की 2018 की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की अगली कड़ी है। केजीएफ चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, मालविका अविनाश और अच्युत कुमार लीड रोल में। कुछ समय पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसने दर्शकों का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है। लोगों को इस फिल्म और मार्वल स्टूडियोज की थॉर रैग्नारॉक में काफी सिमिलैरिटीज मिली, जैसे कि संजय दत्त की हेयर स्टाइल और क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर रैग्नारॉक में हेयर स्टाइल काफी सेम है। हालांकि फर्क बस इतना है कि संजय दत्त फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं और क्रिस हेम्सवर्थ फिल्म के हीरो थे। तो क्या लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। क्या सोशल मीडिया से गायब थे रॉकिंग स्टार यश? किस खबर से फिर वायरल हुई यश सोशल मीडिया पर?
क्या एक और बड़ी मूवी की प्लानिंग चल रही है यश को लेकर? KGF चैप्टर 1 की रिलीज के साथ कन्नड़ अभिनेता यश की लोकप्रियता ने सीमाएं पार कर दी है। कन्नड़ मूवी उद्योग की बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली इस मूवी ने दुनिया भर के एक्शन फिल्म प्रेमियों का ध्यान खींचा है। करंटली रॉकी भाई देश भर का जाना माना नाम बन चुका है। अपनी ब्लॉकबस्टर KGF 1 के बाद यश ने पूरे देश में एक फैंडम बना लिया है। हालांकि कन्नड़ अभिनेता साउथ इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर किंग थे, लेकिन KGF ने उन्हें नॉर्थ में अपने फैंडम का एक्सटेंड करने में मदद की। फैंस उनकी मूवी से लेकर उनके फोटोशूट तक के बारे में अपडेट पाने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। हालांकि पावर स्टार पुनीत राजकुमार की अल्टीमेटली डेथ के बाद यश, जो पुनीत के बहुत करीबी और प्रिय मित्र थे, सोशल मीडिया से गायब थे। लेकिन फैशन और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने हाल ही में यश की तस्वीरों का एक सेट पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर आग लगा दी। कन्नड़ अभिनेता को डब्बू ने लाल टी शर्ट और हरे रंग की पैंट पहने देखा था। उनके पहनावे में कलरफुल लेयर, बीट एंड ब्रेसलेट शामिल था। द रॉकिंग स्टार ने अपने मैन बन, लंबी दाढ़ी और मूंछों के साथ अपनी प्रतिष्ठा रॉकी भाई लुक को फ्लॉन्ट किया। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने भी यश के साथ पोज दिए हैं। आई हैव टू गॉट योर बैक के कैप्शन के बाद डब्बू ने यश को टैग करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। 23 अक्टूबर को डब्बू ने तेलुगु मेगा पावर स्टार रामचरण के साथ तस्वीरों का एक सेट भी शेयर किया, जो अपनी अपकमिंग एक्शन से भरपूर मूवी RRR के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें यंग टाइगर जूनियर एंटिया, अजय देवगन और आलिया भट्ट भी हैं मुख्य भूमिकाओं में। हाल ही के दिनों में डब्बू भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई मशहूर सेलिब्रिटीज की तस्वीरें शेयर करते हुए इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं। वहीं वर्क फ्रेंड पर यश और फैंस 14 अप्रैल 2022 को KGF चैप्टर 2 की रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच इंडस्ट्री के एक उड़ते परिंदे से पता चला है कि साउथ इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस किंग यश पॉपुलर मूवी निर्माता और गजनी के निर्देशक AR मुर्गा दोस के साथ मिलकर काम करेंगे। एक और एक्शन से भरपूर इस मूवी के लिए टेम्पररी टाइटल है यश 90। चर्चा के अनुसार यश को इस गुमनाम मूवी के लिए चुने जाने की खबर ट्विटर पर सबसे पहले जारी की गई थी। कर्नाटक के स्क्रीन प्ले राइटर और निर्देशक नारदन द्वारा इसके निर्देशित होने की संभावनाएं हैं। मूवी का नाम टेम्पररी यश 19 रखा गया है। हालांकि जिस ट्विटर अकाउंट से ये खबर वायरल हुई वो फर्जी निकला और बाद में सभी अटकलों को खत्म करते हुए डिलीट कर दिया गया। बहुत से लोग जो इस फैक्ट से अनजान थे उनका दिल टूट गया ना। लेकिन इंडस्ट्री में लेटेस्ट चर्चा फैंस के बीच एक बार फिर उत्साह बढ़ा देगी। यश जो पहले से ही कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ सैंडलवुड इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस किंग थे, बाकी दुनिया से अनजान थे, लेकिन KGF ने उन्हें एक जरूरी पहचान दिलाई। KGF 2 के बाद आने वाली मूवी यश की 19वीं मूवी होगी और जब तक निर्माता मूवी के शीर्षक का खुलासा नहीं करते तब तक इसे यश 19 के रूप में नामित किया जाएगा। प्रसिद्ध मूवी निर्माता AR मुर्गा दोस एक एक्शन से भरपूर मूवी के लिए रॉकी भाई उर्फ यश के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और मुर्गा दोस खुद बिना शीर्षक वाली फिल्म के बारे में चुप पीस सारे हुए। लेकिन जहां वो ट्विटर अकाउंट ही फर्जी निकला, ऐसे में क्या यश और गजनी के डायरेक्टर के साथ में मूवी करने की बात भी फर्जी थी? लेकिन हमारी मानी तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती। वही हम तो भाई जरूरी देखना चाहेंगे दो मंचे हुए एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी को एक साथ, और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुर्गा दोस, गजनी थुपुक्की और कैदी जैसी एक्शन से भरपूर फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। इस बीच यश गज केसरी, संतु स्ट्रीट फॉरवर्ड और KGF चैप्टर 1 के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं। यहाँ तक की KGF 2 भी भारतीय मूवी इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने को तैयार है, जैसा कि फैंस को उम्मीद भी है। इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये माना जा सकता है कि ये जोड़ी एक एक्शन से भरपूर मूवी के लिए साथ आएगी। साथ ही गजनी निर्देशक वर्तमान में अपने अगले निर्देशन के लिए ग्राफिक काम में बिजी है, जिसके लिए उनके दिमाग में यश मूवी एक फैंटेसी थ्रिलर होगी और मुर्गा रॉस ने इस प्रोजेक्ट के लिए काम भी शुरू कर दिया है। मूवी की शूटिंग 2022 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और फैंस इसकी अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि
खुद का रोज हर कदम सावधानी से उठा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ हालिया प्रोजेक्ट उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसमें तमिल सुपरस्टार रजनीकांत स्टार दरबार को 200 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनाया गया था। हालांकि मूवी कोविड-19 महामारी के कारण केवल दो। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। क्या केजीएफ से संतुष्ट नहीं है रवीना टंडन? क्या सैक्रिफाइस किया श्रीनिधि ने इस फिल्म के लिए? क्या उनकी मेहनत फाइनली रंग लाएगी? ताकतवर इंसान की क्या पहचान होती है? यही ना कि चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, वो उस मुसीबत का डट कर सामना करता है। और ऐसे ही इंसान है हमारे केजीएफ के रॉकी भाई, जिसके सर से बचपन में ही माँ का साया छिन लिया, जिसने गरीबी तो देखी लेकिन उसे अपनी तकदीर नहीं मान बैठा और उसने एक सपना देखा, दुनिया पर राज करने का सपना। और अब जल्द ही वो अपनी माँ का सपना पूरा भी करता रहेगा। लेकिन एक मिनट, आप शायद कुछ भूल रहे हैं कि इतनी आसानी से कभी हीरो अपने मिशन में सफल नहीं होता। और इस बार तो लेवल और हाई हो चुका है। फिल्म में जहां पहले रीजनल एक्टर्स ने इतनी धूम मचा दी थी कि इस फिल्म ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया था, तो अब तो फिल्म में इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और रवीना टंडन को शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड राज स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म KGF 2 के बारे में। संजय दत्त जहां फिल्म में मुख्य विलन अधीरा का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं रवीना टंडन फिल्म में भारत की मुख्यमंत्री जमेका सेन के किरदार में दिखाई देंगी। बता दें कई सालों बाद रवीना KGF से फिल्मों में अपनी एक्टिंग को रिवाइव करने जा रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अभिनेत्री सिर्फ इस फिल्म से ही संतुष्ट हो जाएंगी तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगले ही महीने मस्त मस्त गर्ल आप सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज लाने जा रहे हैं। वो क्या है आइए ये भी जान लेते हैं। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन की डिजिटल डेब्यू सीरीज अरण्यक 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसकी घोषणा मंगलवार को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने की। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट से स्ट्रीमर ने रिलीज की तारीख की घोषणा की। लाइट्स कैमरा एक्शन, रवीना इन शांत पहाड़ियों में एक धमाके के साथ वापस आ गई है, जिसमें छुपाने के लिए एक मिस्ट्री है। हैशटैग अरण्यक 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, हैशटैग अरण्यक ऑन नेटफ्लिक्स। इस ट्वीट के साथ ये बात तो साबित हो गई है कि रवीना भी पूजा भट्ट और करिश्मा कपूर की तरह डिजिटल डेब्यू करने वाली है। अपकमिंग क्राइम थ्रिलर शो एक धुंधले शहर में एक फॉरेन टीन टूरिस्ट के गायब होने के बाद एक डार्क और ग्लूमी कहानी को डिस्क्राइब करती है। एक बड़े केस के मामले में परेशान लोकल पुलिस को उसके शहरी रिप्लेसमेंट के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, जो कंकालों को खोदता हुआ उस जंगल में छिपे राज पर से पर्दा उठाते हुए दिखाई देंगे। 47 वर्षीय एक्ट्रेस 90s और 2000 के दशक की एक पॉपुलर फिल्म मोहरा, दिलवाले, लाडला, जिद्दी अंदाज, अपना अपना, शूल, दमन जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। रॉय कपूर फिल्म्स और रमेश सिप्पी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित अरण्यक का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है और इसका निर्देशन विनय वेकुल ने किया है। टीजर में रवीना टंडन, परमव्रत चटर्जी, आशुतोष राणा, मेघना मलिक, जाकिर हुसैन और इंद्रनील सेन गुप्ता सहित कई अन्य कलाकारों के साथ नजर आ रही है। साथ ही रवीना निर्देशक प्रशांत नील की KGF अध्याय 2 में यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, मालविका विनाश और अच्युत कुमार के साथ भी दिखाई देगी। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म पहले इस साल जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे डिले कर दिया गया था। KGF चैप्टर 2 वर्तमान में भारत में सबसे मच एंटिसिपेटेड फिल्म है। ये इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की बदौलत है, जो फिल्म के इतने बार डिले होने के बावजूद भी फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में चैप्टर 1 में इतनी सफलता का स्वाद चखा कि फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी को 7 से अधिक फिल्में मिली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हम नहीं बल्कि श्री ने खुद KGF चैप्टर 1 की सफलता के बाद फिल्मों को अस्वीकार करने के बारे में खुलासा किया। जिनको नहीं पता उन्हें बता दे, श्री ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फीमेल ब्यूटी पेजेंट मिस सुपर नेशनल जीता, वो 2016 में मिस डीवा भी बनी। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर चैप्टर 1 से शुरू किया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए सराहना की गई। एज एक्सपेक्टेड, श्री को उनकी सनसनीखेज शुरुआत के बाद 7 फिल्मों की पेशकश की गई थी,
लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 के लिए उन्हें सभी को अस्वीकार करना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार श्री ने कहा, केजीएफ के पहले भाग के लिए जोरदार स्वागत के बाद निर्माता वास्तव में सिस्टमैटिक तरीके से दूसरी अध्याय को जल्दी शुरू करना चाहते थे। कई फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए मुझसे संपर्क किया, जिसके लिए जून और अक्टूबर के महीनों के दौरान तारीखों की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने कहा, मैं कन्नड़ में कम से कम 3 फिल्में, तमिल में 2 और तेलुगु में 2 फिल्में छोड़ चुकी हूँ। श्री अगली बार तमिल फिल्म कोबरा में नजर आएगी। अब आप ही बताइए, जिस फिल्म के लिए श्री ने अपनी 7 फिल्में छोड़ी, वो कैसे एक पावरफुल फिल्म नहीं होगी? देखना काफी दिलचस्प होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। क्या सोशल मीडिया से गायब थे रॉकिंग स्टार यश? किस खबर से फिर वायरल हुई यश सोशल मीडिया पर? क्या एक और बड़ी मूवी की प्लानिंग चल रही है यश को लेकर? केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के साथ कन्नड़ अभिनेता यश की लोकप्रियता ने सीमाएं पार कर दी है। कन्नड़ मूवी उद्योग की बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली इस मूवी ने दुनिया भर के एक्शन फिल्म प्रेमियों का ध्यान खींचा है। करंटली रॉकी भाई देश भर का जाना माना नाम बन चुका है। अपनी ब्लॉकबस्टर केजीएफ 1 के बाद यश ने पूरे देश में एक फैंडम बना लिया है। हालांकि कन्नड़ अभिनेता साउथ इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर किंग थे, लेकिन केजीएफ ने उन्हें नॉर्थ में अपनी फैंडम का एक्सटेंड करने में मदद की। फैंस उनकी मूवी से लेकर उनके फोटोशूट तक के बारे में अपडेट पाने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। हालांकि पावर स्टार पुनीत राजकुमार की अल्टीमेटली डेथ के बाद यश, जो पुनीत के बहुत करीबी और प्रिय मित्र थे, सोशल मीडिया से गायब थे। लेकिन फैशन और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने हाल ही में यश की तस्वीरों का एक सेट पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर आग लगा दी। कन्नड़ अभिनेता को डब्बू ने लाल टी शर्ट और हरे रंग की पैंट पहने दिखा था। उनके पहनावे में कलरफुल लेयर, बीटेड ब्रेसलेट शामिल था। द रॉकिंग स्टार ने अपने मैन बन, लंबी दाढ़ी और मूंछों के साथ अपनी प्रतिष्ठा रॉकी भाई लुक को फ्लॉन्ट किया। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने भी यश के साथ पोज दिए हैं। आई हैव टू गॉट योर बैक के कैप्शन के बाद डब्बू ने यश को टैग करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। 23 अक्टूबर को डब्बू ने तेलुगु मेगा पावर स्टार रामचरण के साथ तस्वीरों का एक सेट भी शेयर किया, जो अपनी अपकमिंग एक्शन से भरपूर मूवी RRR के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें यंग टाइगर जूनियर इंडिया, अजय देवगन और आलिया भट्ट भी है मुख्य भूमिकाओं में। हाल ही के दिनों में डब्बू भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई मशहूर सेलिब्रिटीज की तस्वीरें शेयर करते हुए इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं। वहीं वर्क फ्रेंड पर यश और फैंस 14 अप्रैल 2022 को केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच इंडस्ट्री के एक उड़ते परिंदे से पता चला है कि साउथ इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस किंग यश पॉपुलर मूवी निर्माता और गजनी के निर्देशक AR मुर्गा दोस के साथ मिलकर काम करेंगे। एक और एक्शन से भरपूर इस मूवी के लिए टेम्पररी टाइटल है यश 90। चर्चा के अनुसार यश को इस गुमनाम मूवी के लिए चुने जाने की खबर ट्विटर पर सबसे पहले जारी की गई थी। कर्नाटक के स्क्रीन प्ले राइटर और निर्देशक नार्डन द्वारा इसके निर्देशित होने की संभावनाएं हैं।
मूवी का नाम टेम्पररी यश 19 रखा गया है। हालांकि जिस ट्विटर अकाउंट से ये खबर वायरल हुई वो फर्जी निकला और बाद में सभी अटकलों को खत्म करते हुए डिलीट कर दिया गया। बहुत से लोग जो इस बात से अनजान थे उनका दिल टूट गया ना। लेकिन इंडस्ट्री में लेटेस्ट चर्चा फैंस के बीच एक बार फिर उत्साह बढ़ा देगी। यश जो पहले से ही कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ सैंडलवुड इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस किंग थे, बाकी दुनिया से अनजान थे, लेकिन केजीएफ ने उन्हें एक जरूरी पहचान दिलाई। केजीएफ 2 के बाद आने वाली मूवी यश की 19वीं मूवी होगी और जब तक निर्माता मूवी के शीर्षक का खुलासा नहीं करते तब तक इसे यश 19 के रूप में नामित किया जाएगा। प्रसिद्ध मूवी निर्माता एआर मुर्गाडॉस एक एक्शन से भरपूर मूवी के लिए रॉकी भाई उर्फ यश के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और मुर्गाडॉस खुद बिना शीर्षक वाली फिल्म के बारे में चुप्पी साधे हुए। लेकिन जहां वो ट्विटर अकाउंट ही फर्जी निकला, ऐसे में क्या यश और गजनी के डायरेक्टर के साथ में मूवी करने की बात भी फर्जी थी? लेकिन हमारी मानी तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती। वही हम तो भाई जरूरी देखना चाहेंगे दो मंचे हुए एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी को एक साथ, और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं मुर्गाडॉस गजनी थुप्पुकी और कैदी जैसी एक्शन से भरपूर फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। इस बीच यश गज केसरी संतु स्ट्रीट फॉरवर्ड और केजीएफ चैप्टर 1 के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं। यहाँ तक की केजीएफ 2 भी भारतीय मूवी इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने को तैयार है। जैसा कि फैंस को उम्मीद भी है, इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये माना जा सकता है कि ये जोड़ी एक एक्शन से भरपूर मूवी के लिए साथ आएगी। साथ ही गजनी निर्देशक वर्तमान में अपने अगले निर्देशन के लिए ग्राफिक काम में बिजी है, जिसके लिए उनके दिमाग में यश मूवी एक फैंटेसी थ्रिलर होगी और मुर्गाडॉस ने इस प्रोजेक्ट के लिए काम भी शुरू कर दिया है। मूवी की शूटिंग 2022 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और फैंस इसकी अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि मुर्गाडॉस हर कदम सावधानी से उठा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ हालिया प्रोजेक्ट उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसमें तमिल सुपरस्टार रजनीकांत स्टार दरबार को 200 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनाया गया था। हालांकि मूवी कोविड-19 महामारी के कारण केवल 250। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? अरे गाड़ी निकल। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। क्या केजीएफ से संतुष्ट नहीं है रवीना टंडन? क्या सैक्रिफाइस किया श्रीनिधि ने इस फिल्म के लिए? क्या उनकी मेहनत फाइनली रंग लाएगी? ताकतवर इंसान की क्या पहचान होती है? यही ना कि चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, वो उस मुसीबत का डट कर सामना करता है। और ऐसे ही इंसान है हमारे केजीएफ के रॉकी भाई, जिसके सर से बचपन में ही माँ का साया छिन लिया, जिसने गरीबी तो देखी लेकिन उसे अपनी तकदीर नहीं मान बैठा और उसने एक सपना देखा, दुनिया पर राज करने का सपना। और अब जल्द ही वो अपनी माँ का सपना पूरा भी करता रहेगा। लेकिन एक मिनट, आप शायद कुछ भूल रहे हैं कि इतनी आसानी से कभी हीरो अपने मिशन में सफल नहीं होता, और इस बार तो लेवल और हाई हो चुका है। फिल्म में जहाँ पहले रीजनल एक्टर्स ने इतनी धूम मचा दी थी कि इस फिल्म ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया था, तो अब तो फिल्म में इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और रवीना टंडन को शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड राज स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 के बारे में। संजय दत्त जहाँ फिल्म में मुख्य विलन अधीरा का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं रवीना टंडन फिल्म में भारत की मुख्यमंत्री जमेका सेन के किरदार में दिखाई देंगी। बता दें कई सालों बाद रवीना केजीएफ से फिल्मों में अपनी एक्टिंग को रिवाइव करने जा रही है, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अभिनेत्री सिर्फ इस फिल्म से ही संतुष्ट हो जाएंगी तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगले ही महीने मस्त मस्त गर्ल आप सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज लाने जा रहे हैं। वो क्या है आइए ये भी जान लेते हैं। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन की डिजिटल डेब्यू सीरीज अरण्यक 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसकी घोषणा मंगलवार को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने की। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट से स्ट्रीमर ने रिलीज की तारीख की घोषणा की। लाइट्स कैमरा एक्शन, रवीना इन शांत पहाड़ियों में एक धमाके के साथ वापस आ गई है, जिसमें छुपाने के लिए एक मिस्ट्री है।
#अरण्यक 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रहा है #अरण्यक ऑन नेटफ्लिक्स। इस ट्वीट के साथ ये बात तो साबित हो गई है कि रवीना भी पूजा भट्ट और करिश्मा कपूर की तरह डिजिटल डेब्यू करने वाली है। अपकमिंग क्राइम थ्रिलर शो एक धुंधले शहर में एक फॉरेन टीन टूरिस्ट के गायब होने के बाद एक डार्क और ग्लूमी कहानी को डिस्क्राइब करती है। एक बड़े केस के मामले में परेशान लोकल पुलिस को उसके शहरी रिप्लेसमेंट के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, जो कंकालों को खोदता हुआ उस जंगल में छिपे राज पर से पर्दा उठाते हुए दिखाई देंगे। 47 वर्षीय एक्ट्रेस 90s और 2000 के दशक की एक पॉपुलर फिल्म मोहरा, दिलवाले, लाडला, जिद्दी अंदाज, अपना अपना, शूल, दमन जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। रॉय कपूर फिल्म्स और रमेश सिप्पी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित अरण्यक का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है और इसका निर्देशन विनय वेकुल ने किया है। टीजर में रवीना टंडन, परमव्रत चटर्जी, आशुतोष राणा, मेघना मलिक, जाकिर हुसैन और इंद्रनील सेन गुप्ता सहित कई अन्य कलाकारों के साथ नजर आ रही है। साथ ही रवीना निर्देशक प्रशांत नील की KGF अध्याय 2 में यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, मालविका विनाश और अच्युत कुमार के साथ भी दिखाई देगी। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म पहले इस साल जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे डिले कर दिया गया था। KGF चैप्टर 2 वर्तमान में भारत में सबसे मच एंटिसिपेटेड फिल्म है। ये इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की बदौलत है, जो फिल्म के इतने बार डिले होने के बावजूद भी फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में चैप्टर 1 में इतनी सफलता का स्वाद चखा कि फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी को 7 से अधिक फिल्में मिली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हम नहीं बल्कि श्री ने खुद KGF चैप्टर 1 की सफलता के बाद फिल्मों को अस्वीकार करने के बारे में खुलासा किया। जिनको नहीं पता उन्हें बता दे, श्री ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फीमेल ब्यूटी पेजेंट मिस सुपरनेचुरल जीता। वो 2016 में मिस डीवा भी बनी। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर चैप्टर 1 से शुरू किया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए सराहना की गई। एज एक्सपेक्टेड, श्री को उनकी सनसनीखेज शुरुआत के बाद 7 फिल्मों की पेशकश की गई थी, लेकिन KGF चैप्टर 2 के लिए उन्हें सभी को अस्वीकार करना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार श्री ने कहा, KGF के पहले भाग के लिए जोरदार स्वागत के बाद निर्माता वास्तव में सिस्टमैटिक तरीके से दूसरी अध्याय को जल्दी शुरू करना चाहते थे। कई फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए मुझसे संपर्क किया, जिसके लिए जून और अक्टूबर के महीनों के दौरान तारीखों की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने कहा, मैं कन्नड़ में कम से कम 3 फिल्में, तमिल में 2 और तेलुगु में 2 फिल्में छोड़ चुकी हूँ। श्री अगली बार तमिल फिल्म कोबरा में नजर आएगी। अब आप ही बताइए, जिस फिल्म के लिए श्री ने अपनी 7 फिल्में छोड़ी, वो कैसे एक पावरफुल फिल्म नहीं होगी? देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रंग लाती है। मेकर्स ने एक फोटो साझा करके सभी फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। अगर आप
आप भी ये फोटो देखेंगे तो आप भी केजीएफ 2 के चैप्टर के लिए इतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। केजीएफ 2 में नजर आने वाली एक्टर राव रमेश के जन्मदिन पर फिल्म्स की तरफ से उनका लुक रिवील कर दिया गया। उनको बधाई देने के साथ साथ रिलीजिंग डेट का भी ऐलान कर दिया था। इस फोटो की फील को देख कर तो ये पता चलता है कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि लोकेशन के साथ साथ हमें कुछ और बातें भी पता चली है। फिल्म में बड़े सितारों के साथ साथ नजर आएंगी नोरा फतेही। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होगा उनका रोल फिल्म में। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर फैन पेज द्वारा कुछ तस्वीरें शेयर की गई है। उसी फैन पेज द्वारा ये पता चला है कि फिल्म स्टार यश उस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में ताज फलकनुमा पैलेस में कर रहे हैं। फिल्म के कुछ हिस्से यहीं फिल्माए गए हैं। वहीं पर एक गाने का शूट भी किया गया है। इसी फैन पेज द्वारा ताज फलकनुमा पैलेस की कुछ तस्वीरें शेयर की गई है। वो तस्वीरें तो काफी वायरल हो गई है और इसे देखते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। इन तस्वीरों को शेयर करने के साथ साथ लिखा गया है कि टीम ने ताज फलकनुमा पैलेस में की एक गाने की शूट और ये तस्वीरें नजर आ रही है किसी खुफिया जगह की। दरअसल शूटिंग तो जनवरी 2022 में ही कर दिया गया था। 3 दिन की शूटिंग थी। इस पैलेस को रॉकी का महल माना जा रहा है और इसी में फिल्माया गया है एक आइटम सॉन्ग जिसमें हमें नजर आएगी नोरा फतेही। इस फिल्म में और भी एक आइटम सॉन्ग है जिसमें हमें नजर आएगी साउथ इंडियन एक्ट्रेस कमाल का डांस करते हुए। केजीएफ चैप्टर 1 में भी एक आइटम सॉन्ग था जिसमें हमें नजर आएगी मोहिनी रॉय। और ऐसे में तो फैंस बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। इस फिल्म में कई सारे एक्टर्स होने के बावजूद आपको देखने को मिलेगा एक स्पेशल कैमियो और वो होगा रॉकी यश की वाइफ का। दरअसल आपको बता दें कि साल 2016 में यश और राधिका पंडित ने गोवा में सगाई कर ली थी। 9 दिसंबर 2016 को उन्होंने शादी भी कर ली। शादी के तुरंत बाद उन्होंने बैंगलोर पैलेस में ग्रैंड रिसेप्शन किया। खैर अब तो वो दो छोटे छोटे वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर। वो अकेला आता था। Monster. KGF 2 का इंतजार लोग क्यों कर रहे हैं? पिंक औरतों का रंग है ये कब डिसाइड हुआ? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। KGF टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म थी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग ना सिर्फ कमाल थी बल्कि देश में बनी दूसरी फिल्मों से काफी अलग भी थी। VFX के भारी भरकम इस्तेमाल से बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट साबित हुई। मारधाड़ वाली फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास एक्शन था। फैमिली ऑडियंस के लिए मजबूत इमोशनल एंगल था। मगर इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह रही इसके लीड हीरो यश। यश में भारतीय दर्शकों को ऐसा हीरो दिखा जिसके पास भरपूर स्वैग था और उस स्वैग को जस्टिफाई करने वाली पर्सनैलिटी थी। इस फिल्म को थिएटर्स के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी खूब स्ट्रीम किया गया। इस चीज ने KGF के फैन बेस में भारी इजाफा किया। इन सभी वजहों ने फिल्म के फेवर में काम किया। इसका नतीजा हमें KGF 2 के टीजर को मिले रिएक्शन में देखने को मिला। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने बीते दिन कहा कि वो ऐसा विचार कर रहे हैं कि औरतों के साथ हो रहे क्राइम को रोकने के लिए वो एक पिंक फोर्स बनाए। बेहद नेक विचार है। औरतों के साथ हो रहे क्राइम बहुत ज्यादा है और उसके लिए अगर डेडिकेटेड फोर्स बनाई जाती है तो ये औरतों के हक में लिया गया एक अच्छा कदम होगा। तो खबर खत्म, बात खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं। क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊंगा। पहले इमोशन को आगे बढ़ा तो भाई औरतों के लिए लिया जाने वाला हर स्टेप बढ़िया है, लेकिन हर बार ये पिंक कलर क्यों? मॉल जाओ तो आधे कपड़े गुलाबी दिखते हैं। अपनी शादी की शॉपिंग में तो मैंने इतना पिंक देख लिया कि अब वो मेरी आंखों में ऐसे चुभता है जैसे कानों में एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस है उनकी आवाज। ऑफिस जाने के लिए लेडीज को मिलता है पिंक ऑटो, बसों में मिलती है पिंक सीट या फिर पिंक टैक्सी, पिंक ट्रेन, पिंक स्कूटी, पिंक बाथरूम, पिंक 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 पिंक। भाई साहब, पिंक का इतना ओवरडोज है कि कुछ दिनों में अगर रेस्टोरेंट वगैरह में औरतों को लेडी स्पेशल पिंक रोटियां सर्व होने लगे तो चौंकिएगा मत। पिंक औरतों का रंग है ये कब डिसाइड हुआ? एनीवे, तो हमने बैठकर सोचा कि यार ऐसा कब हुआ होगा कि लोगों ने तय किया कि पिंक औरतों का कलर होगा और ब्लू लड़कों का। थोड़ी पढ़ाई करने पर पाया कि ये मामला ज्यादा पुराना नहीं है बल्कि medium.com पर छपे एक आर्टिकल के मुताबिक पिंक कलर पुरुषों के ज्यादा करीब माना जाता था क्योंकि वो लाल बेस से निकला हुआ कलर था
और लाल रंग आज की तरह पहले सेक्सी रंग नहीं माना जाता था, बल्कि पुरुषों की यूनिफॉर्म लाल रंग की बनती थी। बड़ा मैस्कुलिन कलर मानते थे क्योंकि ये लाउड, ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और आकर्षक होता है। और आप तो जानते हो हाउ मेन हैव लव्ड बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज। खैर, रंगों पर वापस आते हैं। कोरा पर मौजूद एक आर्टिकल के मुताबिक ये शिफ्ट दूसरे विश्व युद्ध के आसपास आया। उस समय पुराने परसेप्शन बदल रहे थे, पुराने बिलीफ बदल रहे थे। पढ़ने में आता है कि उस वक्त टॉयलेट्स पर जो साइंस बन रहे थे उसमें फीमेल के लिए पिंक और मेल के लिए ब्लू यूज हो रहा था। लेकिन हर एक चीज, हर बिलीफ के इतिहास में एक ऐसा पल होता है जिसे मार्केट पकड़ लेता है, और पिंक के इतिहास में भी ऐसा मोमेंट था। आपने मैरिलिन मोनरो का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कम से कम उनकी ये तस्वीर जरूर देखी होगी। अब ये ड्रेस सफेद है, लेकिन इन्होंने 1953 में पहनी थी एक गुलाबी ड्रेस फिल्म जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में, जो लोगों के मन में बस गई। मोनरो उस वक्त से लेकर आने वाले समय में यहाँ तक आज भी सेक्सीनेस फीमेल सेक्सुअल एक्सप्रेशन और स्त्रीत्व का दूसरा नाम मानी जाती है। लेकिन ऐसी स्त्रीत्व नहीं जो लाचार, बेचारा या किसी पर निर्भर हो, बल्कि एक मॉडर्न लड़की जिसको सेक्सी दिखने से, अपने मन के कपड़े ओढ़ने पहनने से ताकतवर महसूस होता है। तो लाल और उसके निकले हुए कलर जो पहले पुरुषों के रंग माने जाते थे, उसे महिलाओं ने पहना और ये जाहिर किया कि वे भी आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं। लेकिन समय के साथ पिंक के लाइट शेड्स पर भी फोकस गया, जो आंखों के लिए आकर्षक से ज्यादा उन्हें सुकून देने वाला होता है। ऐसा ही सॉफ्ट पिंक सूट जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकी कैनेडी ने पहना था उस दिन जिस दिन कैनेडी की हत्या की गई। कुछ ही समय में उनका ये पिंक सूट अपने पति के खून से सना हुआ था। लोगों के जहन में ये एक बुरी याद की तरह दर्ज है, लेकिन उन्हें ये भी याद है कि जैकी को ये पिंक सूट बेहद पसंद था और इसे वे कई बार पहन चुकी थी। पिंक के सुकून भरे शेड्स औरतों का पर्याय बन गए। क्यों? क्योंकि मार्केट को स्त्रीत्व की परिभाषा तय करने का बड़ा फायदा मिलता है। परिभाषाएं तय होने के बाद औरतों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए शेड्स बेचे जा सकते हैं। आज मार्केट किस जगह है आप देख ही सकते हैं। लड़कियों से जुड़ी हर चीज गुलाबी है, क्योंकि कलेक्टिव मेमोरी में लड़कियों की कल्पना भी गुलाबी है। वो हंसेंगी तो फूल झड़ेंगे, वो जुल्फे खोलेंगी तो रात हो जाएगी, लड़की घर में खुशियां भर देगी, आपके आंसू पोंछ लेगी, बहके हुए पुरुष को संभाल लेगी, माँ बनकर त्याग करेगी, सबके दुख हर लेगी, वगैरह वगैरह। पिंक एक हैप्पी कलर है, मगर हमारे देश में, हमारे कल्चर में क्या लड़कियों के हाल उतने ही गुलाबी हैं जितने फिल्मों में उनके गाल गुलाबी हैं? आप सोचेगा, लेकिन मुझे पर्सनली एक लड़की को सिर्फ एक रंग से जोड़े जाने पर प्रॉब्लम होती है। तो क्या पिंक कलर बुरा है? बिल्कुल नहीं। यही गुलाबी रंग जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का रंग बनता है तो कितना खूबसूरत लगता है। आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के वेटरन खिलाड़ी ग्रेन मैकग्रैथ, उनकी पत्नी जेन के बारे में तो पता होगा। जेन ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। 2008 में वो दुनिया से चली गई, लेकिन उसके पहले दुनिया को दे गई एक उम्दा ब्रेस्ट कैंसर केयर सिस्टम। आज मैकग्रैथ फाउंडेशन उन नर्सेस को फंड करता है जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का ख्याल रखती हैं। गुलाबी रंग इनकी पहचान है। सिंबल और प्रतीक हमेशा खराब हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जब ये प्रतीक हमें बांटने लगे तब ये खतरनाक हो जाते हैं। बच्चे के पैदा होने के पहले ही उसे गुलाबी और नीले में बांटना, फिर उनके कपड़े बांटना, फिर उनके खिलौने बांटना। जब हम बच्चों को उनके रंग असाइन कर देते हैं तो वो आपस में समानताओं से ज्यादा भेद। Since 1951. कहानी आखिर किन चार कहानियों को मिलाकर बनी है? रॉकी का इंदिरा गांधी की सरकार से क्या लेना देना था? प्रशांत नील ने क्यों ठीक समझा किसी और से इस कहानी को लेने का? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा। हिस्ट्री टेल्स अस पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। वेल, हिस्ट्री वाज रॉन्ग, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। वैसे ये डायलॉग आपने कहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, KGF चैप्टर 1 में आखिरी में किस तरीके से बताया गया था कि कैसे ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।
लेकिन क्या आपने गौर किया कि रॉकी की कहानी कभी भी किसी एक कहानी से प्रेरित नहीं है, बल्कि 3-4 पहलुओं को साथ लेकर चलती है, जिसमें से एक कैरेक्टर है राउडी थमंग का, जिसको पुलिस ने 1997 में एनकाउंटर के जरिए मार दिया था। वैसे रॉकी की सारी दयालुता या फिर चालाकी या जितने भी सारे गुण ले लीजिए, वो सारे ही राउडी थमंग से रिलेटेड है, लेकिन उसमें काफी सारे चेंजेस अभी आने बाकी हैं और ऑफकोर्स वो चेंजेस आएंगे ही। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से की बात करें तो वो है KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको हमने उसमें बताया हुआ है कि KGF 2 में कैसे कब क्या दिखाया जाने वाला है इस माइंस को लेकर। अब अगर फिल्म के तीसरे सिरे की बात करें तो ये होने वाला है अधीरा का इंटरेस्टिंग किरदार। कहा जा रहा है कि अधीरा के किरदार को पूरा लिया गया है, हॉलीवुड के किरदार से प्रेरित किया गया है। ये कहानी है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जिन्होंने अपना खुद ही इमरजेंसी लगवाया, फिर खुद ही अपने पद से इस्तीफा देकर और फिर से चुनाव जीतकर गद्दी पर बैठी। उसके बाद भी उन्हें गोम-मोम की गुड़िया ही कहा गया था। KGF 2 में उनकी कहानी रमिका सेन होंगे KGF 2 के डायलॉग्स। क्या KGF 2 में भी दिल छूने वाले गानों को सुना जाएगा? KGF चैप्टर 1 की कौन सी चीजों को फिर से दोहराया जाएगा KGF 2 में? 1951 से शुरू हुई ये कहानी KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी है। ये कहानी है रॉकी की, जिसकी मां ने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वो जिए जैसे भी लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को दो भागों में बांटा गया है और इसका पहला भाग है ये KGF चैप्टर 1 नाम की मूवी, जिसे हम सब देख चुके हैं और उसे काफी पसंद भी किया गया। इतना पसंद कि उसके सेकंड पार्ट के आने की इंतजार ही नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशांत पी का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर ही अच्छा है। स्क्रिप्ट भी उनकी ही है। स्क्रिप्ट में सारे मूवी मसाले डाले हुए हैं। रॉकी रूप में यश कमाल लग रहे हैं। बाकी एक्टर्स के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि इस बार मूवी एक नहीं बल्कि 5 कदम आगे बढ़ेगी। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पिछली बार हमें गाजर का हलवा खाने को मिला था तो इस बार बादाम का हलवा मिलेगा। उफ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। खैर, मूवी के म्यूजिक की बात करें तो बता दें कि साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि KGF चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लहरी म्यूजिक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स प्रोड्यूसर्स ने 72 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। बता दें कि पिछली बार की तरह जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को निखारा था, ऐसी नॉन लीनियर कभी फ्लैशबैक की ओर कभी इस वक्त की बात करने वाली म्यूजिक में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन में आप केवल बैकग्राउंड थीम भर से ही इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा कुछ जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि यही उसी मूवी के आगे का पार्ट है। हाँ, पर इसके साथ बहुत कुछ नया देखने की उम्मीद कर सकते हैं हम। वैसे ही कुछ हमें शूटिंग का सेट देखने को मिलेगा, जैसे 50-80 दशक के सेट देखने को मिले थे। यूं ही नहीं कहते, गोल्ड इज गोल्ड और यहाँ तो सच में गोल था। उनकी कई मजबूत पक्षों में से एक होंगे इसके डायलॉग, जो हमें पहले ही मूवी में देखने को मिले थे, पर अब उनके साथ इसमें कुछ और डायलॉग सुनने को मिलेंगे, जैसे लो मैं फिर आ गया और भाई कहता था मुझे राजनीति नहीं आती। ये दो शब्द सबसे ज्यादा और काफी अहम रोल निभाने वाले डायलॉग लोगों को पसंद आने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे पहले फिल्म देखते हुए आपको हमेशा ही 80 के दशक के अमिताभ और अमिताभ की मूवीज याद आई, वैसे ही इस बार भी कई बार ऐसे सीन देखने को मिलेंगे तो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किए गए हो, लेकिन 80 के दशक की याद जरूर दिलाएगी, चाहे वो मूवी सेट हो या हमारी रियल हिस्ट्री की किताब। जैसे मूवी में इंदिरा गांधी का होना इतिहास के पलटने जैसा नजर आने वाला है। इसके साथ ही अग्निपथ वाले अमिताभ जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है, वैसा ही कुछ KGF 2 में देखने को मिल सकता है। भगवान को नहीं बल्कि माँ को मानने वाली बात नास्तिक कहलाती है। दरअसल ये पूरी फिल्म ही 80 के दशक की मसाला फिल्म जैसी होगी, लेकिन फिर भी पुरानी नहीं लगेगी क्योंकि ये यकीनन तौर पर नए और पुराने के बीच बैलेंस बनाकर चलती है।
फिल्म तब पूरी तरह कमर्शियल और फिल्मी लगती है जब तक रॉकी 100 गुंडों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर अकेले मारता है। और केजीएफ 2 में सिर्फ रॉकी नहीं, सब एक दूसरे को मारेंगे। अब इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन बैरेंस के दामन का जैसे केजीएफ चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स में भी साथ नहीं छोड़ा गया था, जहां केजीएफ के एंड ने फैंस को थोड़ा विचलित करके अगले पार्ट के लिए भी तैयार किया था, वैसे ही अब भी केजीएफ 2 में माँ वाला इमोशन भी होगा, रोमांस, तानाशाही, गुंडागर्दी, राजनीति। डायलॉग्स, क्या केजीएफ 2 में भी दिल छूने वाले गानों को सुना जाएगा? केजीएफ चैप्टर 1 की कौन सी चीजों को फिर से दोहराया जाएगा केजीएफ 2 में? 1951 से शुरू हुई ये कहानी केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी है। ये कहानी है रॉकी की, जिसकी माँ ने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वो जिए जैसे भी, लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को 2 भागों में बांटा गया है और इसका पहला भाग है ये केजीएफ चैप्टर 1 नाम की मूवी, जिसे हम सब देख चुके हैं और उसे काफी पसंद भी किया गया, इतना पसंद कि उसके सेकंड पार्ट के आने की इंतजार ही नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशांत नील का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर ही अच्छा है, स्क्रिप्ट भी उनकी ही है, स्क्रिप्ट में सारे मूवी मसाले डाले हुए हैं, रॉकी रूप में यश कमाल लग रहे हैं, बाकी एक्टर्स के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि इस बार मूवी एक नहीं बल्कि 5 कदम आगे बढ़ेगी। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पिछली बार हमें गाजर का हलवा खाने को मिला था तो इस बार बादाम का हलवा मिलेगा। उफ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। खैर, मूवी के म्यूजिक की बात करें तो बता दें कि साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लहरी म्यूजिक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स प्रोड्यूसर्स ने 72 करोड़ रुपयों में बेच दिए हैं। बता दें कि पिछली बार की तरह जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को निखारा था, ऐसी नॉन लीनियर, कभी फ्लैशबैक की ओर कभी इस वक्त की बात करने वाली म्यूजिक में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन में आप केवल बैकग्राउंड थीम भर से ही इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा कुछ जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि यही उसी मूवी के आगे का पार्ट है। हाँ, पर इसके साथ बहुत कुछ नया देखने की उम्मीद कर सकते हैं हम। वैसे ही कुछ हमें शूटिंग का सेट देखने को मिलेगा, जैसे 50 से 80 दशक के सेट देखने को मिले थे। यूं ही नहीं कहते, गोल्ड इज गोल्ड, और यहाँ तो सच में गोल्ड था। उनकी कई मजबूत पक्षों में से एक होंगे इसके डायलॉग, जो हमें पहले ही मूवी में देखने को मिले थे, पर अब उनके साथ इसमें कुछ और डायलॉग सुनने को मिलेंगे, जैसे लो मैं फिर आ गया, और भाई कहता था मुझे राजनीति नहीं आती। ये 2 शब्द सबसे ज्यादा और काफी अहम रोल निभाने वाले डायलॉग लोगों को पसंद आने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे पहली फिल्म देखते हुए आपको हमेशा ही 80 के दशक के अमिताभ और अमिताभ की मूवीज याद आई, वैसे ही इस बार भी कई बार ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किए गए हो, लेकिन 80 के दशक की याद जरूर दिलाएगी, चाहे वो मूवी सेट हो या हमारी रियल हिस्ट्री की किताब। जैसे मूवी में इंदिरा गांधी का होना इतिहास के पलटने जैसा नजर आने वाला है। इसके साथ ही अग्निपथ वाले अमिताभ जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है, वैसा ही कुछ केजीएफ 2 में देखने को मिल सकता है। भगवान को नहीं बल्कि माँ को मानने वाली बात नास्तिक कहलाती है। दरअसल ये पूरी फिल्म ही 80 के दशक की मसाला फिल्म जैसी होगी, लेकिन फिर भी पुरानी नहीं लगेगी क्योंकि ये यकीनन तौर पर नए और पुराने के बीच बैलेंस बनाकर चलती है। फिल्म तब पूरी तरह कमर्शियल और फिल्मी लगती है जब तक रॉकी 100 गुंडों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर अकेले मारता है। और केजीएफ 2 में सिर्फ रॉकी नहीं, सब एक दूसरे को मारेंगे। अब इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन बैरेंस के दामन का जैसे केजीएफ चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स में भी साथ नहीं छोड़ा गया था, जहां केजीएफ के एंड ने फैंस को थोड़ा विचलित करके अगले पार्ट के लिए भी तैयार किया था, वैसे ही अब भी केजीएफ 2 में माँ वाला इमोशन भी होगा,
रोमांस, तानाशाही, गुंडागर्दी, राजनीति। नहीं हुई और KGF 3 की चर्चा होने लगी है। 300 रुपए लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहुबली को टक्कर? यश का असली नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फादर्स डे के मौके पर KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा, एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर? तो KGF के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल #KGF Chapter 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि KGF के डायरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है। जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। KGF स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। KGF चैप्टर फर्स्ट की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर KGF चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है, जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपए लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया। इतना बड़ा डराने वाला शहर। लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था। मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया। मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। कोई सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैकस्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था। जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की। स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नहीं हुई और KGF 3 की चर्चा होने लगी है। 300 रुपए लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहुबली को टक्कर? यश का असली नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फादर्स डे के मौके पर KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा, एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर? तो KGF के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल #KGF Chapter 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि KGF के डायरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है। जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। KGF स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। KGF चैप्टर फर्स्ट की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर KGF चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है, जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपए लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया, इतना बड़ा डराने वाला शहर। लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था, मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया, मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, कोई सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैकस्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था, जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की, स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नाम नहीं हुई और KGF 3 की चर्चा होने लगी है। 300 रुपए लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहुबली को टक्कर? यश का असली नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फादर्स डे के मौके पर KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर, तो KGF के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल #KGF Chapter 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि KGF के डायरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है, जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। KGF स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। KGF चैप्टर फर्स्ट की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर KGF चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है, जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपए लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया, इतना बड़ा डराने वाला शहर। लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था, मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया, मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, कोई सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैकस्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था, जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की, स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, इसलिए हम अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। कुदरत का करिश्मा देखो, उस रात 2 घटनाएं हुई।
केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप। केजीएफ कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ फिल्म। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 2018 में कनाडा भाषा की फिल्म केजीएफ रिलीज हुई, मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी थी। इंडिया के एक बोनाफाइड सुपरस्टार के फिल्म के सामने एक रीजनल फिल्म के डब्ड वर्जन को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जैसे ही दोनों फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन बाहर आए, फिल्म ट्रेड में सुगबुगाहट शुरू हो गई। केजीएफ ने पहले दिन हिंदी वर्जन से 2.10 करोड़ और देश भर से 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि जीरो के ओपनिंग डे कलेक्शन 20.14 करोड़ से कुछ ही कम था। वीकेंड खत्म होते होते यश स्टारर केजीएफ ने शाहरुख की जीरो को पीछे छोड़ दिया। केजीएफ का वीकेंड कलेक्शन था 59.60 करोड़, जो कि जीरो से 53 लाख रुपए ज्यादा था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ का ऑल टाइम कलेक्शन रहा 185 करोड़ रुपए, जबकि शाहरुख की जीरो 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो सवाल यह है कि इस फिल्म को इतना क्यों देखा गया? वो इसलिए क्योंकि केजीएफ टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग न सिर्फ कमाल थी, बल्कि देश में बनी दूसरी फिल्मों से काफी अलग भी। वीएफएक्स के भारी भरकम इस्तेमाल से बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट साबित। मारधाड़ वाली फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास एक्शन, फैमिली ऑडियंस के लिए मजबूत इमोशनल एंगल था। मगर इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह रहे इसके लीड हीरो यश। यश में भारतीय दर्शकों को एक ऐसा हीरो दिखा जिसके पास भरपूर स्वैग और उस स्वैग को जस्टिफाई करने वाली पर्सनालिटी। इस फिल्म को थिएटर के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी खूब स्ट्रीम किया गया। इस चीज ने केजीएफ के फैन बेस में भारी इजाफा किया। इन सभी वजहों ने फिल्म के फेवर में काम किया, जिसका नतीजा हमें केजीएफ 2 के टीजर को मिले रिएक्शन में देखने को मिला। केजीएफ 2 का टीजर रिलीज होने के फौरन बाद ब्लॉकबस्टर हो गया, क्योंकि जिस तरह का बिल्डअप फिल्म के मेकर्स ने इस सिक्वल के आसपास बनाया था, टीजर उसके साथ न्याय करता। इस टीजर में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे। शानदार डायलॉग्स, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस और यश स्टार का स्वैगर। अपने रिलीज के कुछ दिन बाद केजीएफ 2 टीजर ने अवेंजर इन गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी एवेंजर्स फिल्म होने के नाते इसके ट्रेलर को दुनिया भर में यूट्यूब पर 143 मिलियन यानी कि 14. जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। केजीएफ कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ फिल्म। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 2018 में केजीएफ रिलीज हुई, मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी थी। इंडिया के एक बोनाफाइड सुपरस्टार के फिल्म के सामने एक रीजनल फिल्म के डब्ड वर्जन को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जैसे ही दोनों फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन बाहर आए, फिल्म ट्रेड में सुगबुगाहट शुरू हो गई। केजीएफ ने पहले दिन हिंदी वर्जन से 2.10 करोड़ और देश भर से 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि जीरो के ओपनिंग डे कलेक्शन 20.14 करोड़ से कुछ ही कम था। वीकेंड खत्म होते होते यश स्टारर केजीएफ ने शाहरुख की जीरो को पीछे छोड़ दिया। केजीएफ का वीकेंड कलेक्शन था 59.60 करोड़, जो कि जीरो से 53 लाख रुपए ज्यादा था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ का ऑल टाइम कलेक्शन रहा 185 करोड़ रुपए, जबकि शाहरुख की जीरो 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो सवाल यह है कि इस फिल्म को इतना क्यों देखा गया? वो इसलिए क्योंकि केजीएफ टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग न सिर्फ कमाल थी, बल्कि देश में बनी दूसरी फिल्मों से काफी अलग भी। वीएफएक्स के भारी भरकम इस्तेमाल से बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट साबित। मारधाड़ वाली फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास एक्शन, फैमिली ऑडियंस के लिए मजबूत इमोशनल एंगल था। मगर इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह रहे इसके लीड हीरो यश। यश में भारतीय दर्शकों को एक ऐसा हीरो दिखा
जिसके पास भरपूर स्वैग और उस स्वैग को जस्टिफाई करने वाली पर्सनालिटी। इस फिल्म को थिएटर के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी खूब स्ट्रीम किया गया। इस चीज ने केजीएफ के फैन बेस में भारी इजाफा किया। इन सभी वजहों ने फिल्म के फेवर में काम किया, जिसका नतीजा हमें केजीएफ 2 के टीजर को मिले रिएक्शन में देखने को मिला। केजीएफ 2 का टीजर रिलीज होने के फौरन बाद ब्लॉकबस्टर हो गया, क्योंकि जिस तरह का बिल्डअप फिल्म के मेकर्स ने इस सिक्वल के आसपास बनाया था, टीजर उसके साथ न्याय करता। इस टीजर में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे। शानदार डायलॉग्स, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस और यश स्टार का स्वैगर। अपने रिलीज के कुछ दिन बाद केजीएफ 2 टीजर ने अवेंजर इन गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी एवेंजर्स फिल्म होने के नाते इसके ट्रेलर को दुनिया भर में यूट्यूब पर 143 मिलियन यानी कि 14.3। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। केजीएफ कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ फिल्म, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 2018 में केजीएफ रिलीज हुई, मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी थी। इंडिया के एक बोनाफाइड सुपरस्टार के फिल्म के सामने एक रीजनल फिल्म के डब्ड वर्जन को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जैसे ही दोनों फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन बाहर आए, फिल्म ट्रेड में सुगबुगाहट शुरू हो गई। केजीएफ ने पहले दिन हिंदी वर्जन से 2.10 करोड़ और देश भर से 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि जीरो के ओपनिंग डे कलेक्शन 20.14 करोड़ से कुछ ही कम था। वीकेंड खत्म होते होते यश स्टारर केजीएफ ने शाहरुख की जीरो को पीछे छोड़ दिया। केजीएफ का वीकेंड कलेक्शन था 59.60 करोड़, जो कि जीरो से 53 लाख रुपए ज्यादा था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ का ऑल टाइम कलेक्शन रहा 185 करोड़ रुपए, जबकि शाहरुख की जीरो 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अब सवाल यह है कि इस फिल्म को इतना क्यों देखा गया? वो इसलिए क्योंकि केजीएफ टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग न सिर्फ कमाल थी, बल्कि देश में बनी दूसरी फिल्मों से काफी अलग भी। बेफक्स के भारी भरकम इस्तेमाल से बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट साबित। मारधाड़ वाली फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास एक्शन, फैमिली ऑडियंस के लिए मजबूत इमोशनल एंगल था। मगर इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह रहे इसके लीड हीरो यश। यश में भारतीय दर्शकों को एक ऐसा हीरो दिखा जिसके पास भरपूर स्वैग और उस स्वैग को जस्टिफाई करने वाली पर्सनालिटी। इस फिल्म को थिएटर के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी खूब स्ट्रीम किया गया। इस चीज ने केजीएफ के फैन बेस में भारी इजाफा किया। इन सभी वजहों ने फिल्म के फेवर में काम किया, जिसका नतीजा हमें केजीएफ 2 के टीजर को मिले रिएक्शन में देखने को मिला। केजीएफ 2 का टीजर रिलीज होने के फौरन बाद ब्लॉकबस्टर हो गया, क्योंकि जिस तरह का बिल्डअप फिल्म के मेकर्स ने इस सिक्वल के आसपास बनाया था, टीजर उसके साथ न्याय करता। इस टीजर में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे। शानदार डायलॉग्स, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस और यश स्टार का स्वैगर। अपने रिलीज के कुछ दिन बाद केजीएफ 2 टीजर ने अवेंजर इन गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी एवेंजर्स फिल्म होने के नाते इसके ट्रेलर को दुनिया भर में यूट्यूब पर 143 मिलियन यानी कि 14.3। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। What the hell, man? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। केजीएफ कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ से, मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड की फिल्मी गलियारे। 2018 केजीएफ थी, मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं, क्योंकि शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी। इंडिया के एक पिक्चर में कोई एक होता है, एक रिजल्ट फिल्म मुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा।
ऐसे ही दो हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण कि महाभारत। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। आसपास बनाया था, टीजर उसके साथ न्याय करता। इस टीजर में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे। शानदार डायलॉग्स, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस और यश स्टार का स्वैगर। अपने रिलीज के कुछ दिन बाद केजीएफ 2 टीजर ने अवेंजर इन गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी एवेंजर्स फिल्म होने के नाते इसके ट्रेलर को दुनिया भर में यूट्यूब पर 143 मिलियन यानी की 14.3 हुई और KGF 3 की चर्चा होने लगी है। 300 रुपए लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहुबली को टक्कर? यश का असली नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फादर्स डे के मौके पर KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर, तो KGF के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल #KGF Chapter 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि KGF के डायरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है। जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। KGF स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। KGF चैप्टर फर्स्ट की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर KGF चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपए लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया। इतना बड़ा डराने वाला शहर। लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था। मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया। मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। कोई
सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैकस्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था, जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की। स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बता देते हैं।